Good morning friends, good morning everyone, So I Vinod Reddy welcome all of you to this CA Inter जो most awaited बैच था बहुत सारे बच्चों का CA Intermediate Costing Booster Revision Batch, okay, Booster Revision Batch जिसका आज ये फर्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले बच्चों, ओके। तो जैसे मैंने आपको ये बैच के बारे में जब इंफॉर्मेशन दिया था पहले, एट दैट टाइम ओनली आई हैव क्लियरली टोल्ड यू कि ये बैच कौन से बच्चों के लिए है, ये बैच कितने आवर्स का है, ये किसके लिए एग्जैक्टली सूटेबल है। फिर भी मैं और एक बार बता दूं कि ये बैच वो लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक आध बार रेगुलर बैच कर चुके हैं, पूरे कंसंट्रेशन से किए हैं, कंसंट्रेशन से नहीं किए वो बात अलग है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने राइट एक बार एग्जाम दिया है और वो फेल हो गए, दो बार एग्जाम दिया है, दो बार फेल हो गए। हो सकता है कि कुछ लोग कॉस्टिंग की वजह से ग्रुप 1 क्लियर नहीं कर पा रहे, ओके। आप सबके लिए ये 60 आवर्स का बैच बच्चों, ओके, दिस इज 60 आवर्स ऑफ बूस्टर रिविजन, 60 hours of this booster revision can make a huge difference, my friends. Can make a huge difference. And मैं ये सिर्फ मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरा नेचर भी नहीं है। जो लोग मेरे को थोड़ा भी इसके पहले का जानते हैं वो लोग शायद समझेंगे क्लियरली कि ये कोई मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 60 आवर्स आपका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप ये पूरा 60 आवर्स का फुल पावर पैक्ड सेशन अगर आप अटेंड करोगे तो इट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ओके। अब बहुत शुरुआत में ही आपके दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आया रहेगा कि सर आप तो एकदम ऐसे अभी बात भी कर रहे हो 1 मिनट से, तो भी एकदम आराम से कूली बात कर रहे हो, तो रिवीजन में तो ऐसे आपने चिल्लाना चाहिए, ऐसा ऐसा जोरदार बोलना चाहिए कि चलो अपने को फिनिश करना है। तो ऐसा कुछ हमें फिनिश नहीं करना है, हमें ये सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करना है, फिनिश नहीं करना है, कंप्लीट करना है। देयर इज अ डिफरेंस इन फिनिश्ड एंड कंप्लीट। मैं बहुत बार आपको राइट रेगुलर बैच में बताया रहेगा, कई सारे वीडियोस में बताया था मैंने, फिनिश्ड एंड कंप्लीट में फर्क रहता है। इट फील्स लाइक बैच इज कंप्लीट, फील्स लाइक बैच इज फिनिश्ड, राइट, डिफरेंस है। इट फील्स लाइक लाइफ इज कंप्लीट, इट फील्स लाइक लाइफ इज फिनिश्ड, डिफरेंस है। तो ये बैच हमें कंप्लीट करना है, 60 आवर्स में कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है बच्चों, ओके। अब पहला क्वेश्चन है कि सर इस बैच में आप कितने चैप्टर्स कवर करेंगे, तो आंसर है ऑल, ऑल चैप्टर्स विल बी कवर्ड, ऑल चैप्टर्स विल बी कवर्ड इन दिस बैच। दूसरा क्वेश्चन, सर कितने प्रॉब्लम्स लेंगे, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, वो टेलीग्राम ग्रुप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां पे मैंने ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी डाला हुआ है, विनोद रेड्डी बोल के एक टेलीग्राम ग्रुप है, विनोद रेड्डी, वो भी ज्वाइन करो। वहां पे भी मैंने ये नोट्स डाले हुए हैं, तो इस नोट्स में जो मैंने नोट्स इश्यू किया जिसका एक प्रिंट आउट मेरे पास है, उस पे 113 क्वेश्चंस दिए हुए मैंने, इसमें 113 क्वेश्चंस। एंड अगर आप वो देखोगे 113 क्वेश्चंस वो 41 पेजेस पे है बच्चों, तो 41 पेजेस पे 113 क्वेश्चंस है। इससे शायद आपको समझता है कि ये कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं है 2 और 3 मार्क के आने वाले, करेक्ट है। कुछ क्वेश्चंस 2-3 मार्क के भी है, 4 मार्क के है, बट 10 मार्क के, 12 मार्क के कैटेगरी के, 8 मार्क के कैटेगरी के भी क्वेश्चंस है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इसमें है। तो राइट, ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे क्वेश्चंस कंप्लीट करके अपने को बैच फिनिश करना है। तो हाउ मेनी चैप्टर्स विल बी कवर्ड, फर्स्ट ऑल, ऑल इज द आंसर, ऑल चैप्टर्स विल बी कवर्ड। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम ये 113 ऑल प्रॉब्लम्स मैं इसमें सॉल्व करके लूंगा। एंड सॉल्व कैसे करूंगा, जैसे हम रेगुलर बैच में करते हैं, आराम से सब कुछ लिख के, सब कुछ लिख के हम कंप्लीट करने वाले। तीसरा क्वेश्चन, सर हम लोग सिर्फ आपको सुनना है या आप क्या आप हमें नोटबुक बनाने के लिए भी बोलने वाले, तो आप ये बूस्टर रिवीजन के लिए सेपरेट नोटबुक बनाएंगे। आई एम श्योर आपका कम से कम 100-200 पेज का, कम से कम 100-200 पेज का नोटबुक पूरा भर जाएगा, शायद उससे ज्यादा बट कम नहीं, तो एक पूरा नोटबुक आप इसके लिए रिजर्व रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे एग्जाम को राइट सिर्फ 1 महीना या 2 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है, तो मैंने ये 60 आवर्स राइट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? तो आंसर इज यस। आपका दिसंबर 21 एग्जाम हो या आगे जाके मई 22 हो, राइट? आपको कोई बोल रहा है सर मई 22 एग्जाम है तो 6 महीने बचे, नहीं, मई 22 का कोई किसी का अटेम्प्ट है एंड अगर कोई ये वीडियो अप्रैल 22 में देख रहा है या मार्च 22 में देख रहा है उसके लिए तो राइट 2 महीने ही या 1.5 महीना ही बाकी है एग्जाम के लिए, तो तुम्हारे लिए ये बैच सुटेबल है क्या? तो आंसर इज यस, इट इज सुटेबल। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट रेगुलर बैच में उन्होंने थोड़ा अपने स्टाइल से काम किया है, 1 लेक्चर किया, 2 लेक्चर किए, 3रा छोड़ दिया, 4था किया, 5वां छोड़ दिया, फिर हर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 अटेंड किया, बाकी इधर उधर देखते बैठ गए। जो लोगों ने कहीं फेस टू फेस किया है बस एक दूसरे को देखते बैठे, वर्चुअल में जो किया है उनका तो भगवान मालिक है, रिकॉर्डेड बैच में जो किया है। तो ऐसे जो भी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस है तुम्हारे लिए ये 60 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों। तो इसमें हम लोग एज इफ रेगुलर बैच में जो पढ़ते हैं वो सब पढ़ने वाले। अब आप लोग कि सर आपका रेगुलर बैच हमने पेन ड्राइव लेके परचेज राइट किया था वो 217 घंटे का है, 217, एंड अब आप 60 आवर्स में कैसे फिनिश करने वाले हो? तो दीज आर 60 आवर्स माय फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 1/3 ड्यूरेशन है, ऑलमोस्ट 1/3 ओके ड्यूरेशन। जो रेगुलर बैच को अभी मैं सिखा रहा हूँ उनको 180 to 190 आवर्स का बैच है, उसका 1/3 ड्यूरेशन यहाँ पे है, तो 1/3 कम नहीं होता है ना बच्चों। इसमें मैं सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बट जो रेगुलर बैच में अभी फॉर एग्जाम्पल आज मैंने रेगुलर बैच में ना बच्चों what is codification of material, what is numeric code, what is alphabetic code and what is alphanumeric code, ये आधा घंटा एक्सप्लेन किया है। ऑनेस्टली बताओ जो अभी 1.5 महीने में एग्जाम है उसको अल्फाबेटिक कोड, न्यूमरिक कोड एंड अल्फान्यूमरिक कोड ये एक्सप्लेन करने के लिए लिटरली 15 सेकंड चाहिए, लिटरली 15 सेकंड। नाम बताया तो भी उसके लिए काफी है। हाँ सर, न्यूमरिक कोड जिसमें नंबर्स है, अल्फाबेटिक कोड जिसमें लेटर्स है, अल्फा न्यूमरिक कोड जिसमें दोनों है। अब मुझे बताओ आज सुबह के लेक्चर में मैंने ये आधा घंटा एक्सप्लेन किया है बच्चों, तो डेफिनेटली वो जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले के लिए जो एडिशनल कंफर्ट जनरेट करने के लिए आराम से फुर्सत से डिस्कशन होता है, क्योंकि उसका एग्जाम 8-9 महीने के बाद है, वो डिस्कशन सिर्फ हमने कट शॉर्ट कर दिया तो भी वी कैन कवर एवरीथिंग इन दिस बैच। अब आपको लगता है कि सर आपने रेगुलर बैच में मार्जिनल कॉस्टिंग के 65 क्वेश्चंस कवर करवाए थे, आप इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के 65 करवाएंगे क्या? 65 नहीं करवाऊंगा, बट एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस वो करवाऊंगा जिससे सारा कंसेप्ट कवर हो जाता है। रेगुलर बैच में तो फाइंड आउट बीईपी के 5-6 क्वेश्चंस में बैक टू बैक ले लेता हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट इसमें मैं 15-16 ही क्वेश्चन लूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग पे, बट इट विल कवर ऑल वैरायटी, इट विल कवर ऑल वैरायटीज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट एग्जाम में बच्चों हो सकता है कि 10-15 मार्क का पेपर, 25 मार्क का पेपर इधर उधर का हो सकता है, थोड़ा एडजस्टमेंट्स आपको नए लग रहे हैं, पॉसिबल है, बट बताओ बच्चों राइट वो 25 मार्क का मुझे नहीं आ रहा है, ये आप तब बोल सकते हो जब आप 75 मार्क का सॉल्व करोगे, एंड 75 मार्क का सॉल्व करोगे तो 65 मार्क्स उसमें से आ सकते हैं, 65 to 70 मार्क्स, तो आपको ऐसा क्या गम रहेगा? तो डेफिनेटली थोड़ा अपना एबीसी एनालिसिस करो, खुद का एबीसी एनालिसिस, एवरीथिंग कांट बी केप्ट एट इक्वल इंपॉर्टेंस लेवल, सिलेक्टिव मैनेजमेंट, पैरेटो एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, ये सब अगर हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें समझेगा कि ये 60 आवर्स में हम ए कैटेगरी का सिलेबस कंप्लीट करने वाले। क्या कंप्लीट करने वाले? ए कैटेगरी का। इसका मतलब हमने बी एंड सी कैटेगरी को छोड़ दिया क्या? बिल्कुल भी नहीं, बट ए कैटेगरी रिक्वायर्स एटमोस्ट अटेंशन, तो अगर वो एटमोस्ट अटेंशन वाला पहले कंप्लीट करेंगे तो 70 to 80% ऑफ द वैल्यू वही क्रिएट करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब बचे हुए 20-30% इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, बट डेफिनेटली उस पे कितना इंपॉर्टेंस लेवल होना चाहिए ये तो आप खुद जानते हो बच्चों। यस और नो, यस और नो। तो प्लीज बच्चों ये पूरे पावर पैक 60 आवर्स अच्छे से आप अटेंड करो, इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर एवरीवन। ओके, जैसे आपने ये वीडियो के पहले जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें देखा ही रहेगा आपने, बट फिर भी वापस बता दूं कि राइट इसमें से मैं ये 10 लेक्चर 11 से 1, 1:10 2 घंटा 10 से 15 मिनट का मैं एक लेक्चर लूंगा करीबन। ओके, तो ये 10 सेशन यूट्यूब पे राइट चलेंगे, एंड बट ये टोटल 25 लेक्चर्स आर गोइंग टू बी देयर, एंड ये पूरा 25 लेक्चर्स का पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव जो भी आपको बाय करना है, यू कैन बाय it from right www.vsmartacademy.com .com और www.perceptforca.com जो भी वेबसाइट से आपको बाय करना है वहां से आप ये पूरा बाद में बाय कर सकते हो। बट पहले ये 10 लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लो, उसके बाद में मे बी यू कैन टेक अ कॉल। अगर आपको बाद में लगता है कि सर हमें पूरा करना रहेगा तो फिर बाद में कितना पे करना पड़ेगा, 1000 रुपीज माई फ्रेंड्स, 1000। तो इट्स एट अ थ्रो अवे प्राइस, इट इज मेड अवेलेबल टू यू। तो प्लीज सबसे पहले अभी ओके, आज के लेक्चर में मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं जाऊंगा, बट जब आप ये कल लेक्चर अटेंड करोगे उसके पहले आपको एक काम करके रखना है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जो टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन करना है आपको, या विनोद रेड्डी करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन करो और उसपे से ये 41 पेजेस का पीडीएफ, 41 पेजेस का पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप प्लीज डाउनलोड करके रखना बच्चों, पीडीएफ डाउनलोड करके रखो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसका एक प्रिंट आउट लेके रखो, जाओ कहीं पे प्रिंट आउट लेके आओ, घर पे प्रिंटर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो कहीं भी किसी भी जेरॉक्स शॉप पे जाओ, राइट, ये फाइल दे दो उनको, प्रिंट आउट निकालो, 20 रुपए लगेंगे। 20 रुपए का ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है बच्चों। मैंने ये नोट्स बनाने के लिए आवर्स टुगेदर स्पेंड किए हुए, आपको प्रिंट आउट लेने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये प्रिंट आउट लेके आओ, एक नोटबुक बनाओ बूस्टर रिविजन के लिए, एंड दिस नोटबुक प्लस ये प्रिंट जो सिर्फ 41 पेजेस पे कुछ नहीं, नो थियरी, मैंने कुछ थियरी दिया ही नहीं इसमें, डायरेक्ट पेज नंबर 1 पे प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रॉब्लम नंबर 1, 1, 3 तक दिया है मैंने। इसमें मैंने बीच में चैप्टर का नाम तक नहीं लिया कि ये मटेरियल के क्वेश्चन, ये एम्प्लॉय के क्वेश्चन। आप लोग ऐसे क्यों नहीं लिखे सर? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कोई चैप्टर बता के आता है क्या? ये मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 ए, लेबर का क्वेश्चन नंबर 1 बी, ओवरहेड्स का क्वेश्चन नंबर 1 सी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 डी, ऐसे आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट है। तो मैंने रैंडम 113 क्वेश्चंस दिए बच्चों, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए? 113 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए, वो हमें क्लियरली सबको सॉल्व करना है बच्चों। 113 क्वेश्चंस हमें ये कंप्लीट करना है बच्चों, समझा सबको ये? चलो फिर सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग बूस्टर रिवीजन बैच को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके ऊपर आपके कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहा तो भी यू कैन गेट इन टू टच विथ अस, राइट। हमारे जो भी हेल्पलाइन नंबर्स है, राइट, उस पर आप कांटेक्ट करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है बच्चों। चलो फिर लेट अस स्टार्ट माय फ्रेंड्स। ओके, सबको पता है कि कॉस्टिंग में 3 कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स है। पहला बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड टॉपिक्स है, बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड टॉपिक्स है। तो देखो बच्चों, आप बिल्कुल भी ऐसा एकदम कुछ फटफट करके मैं बताऊंगा एंड वो रिवीजन कंप्लीट होगा, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, राइट। अप्रोच शुड बी जस्ट लाइक अ रेगुलर बैच, 60 आवर्स कम नहीं होता है, 60 आवर्स कम नहीं होता है। आप ये मत समझो कि सर फटाफट 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 पॉइंट बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आराम से सब कुछ होगा यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्रॉब्लम एज इफ हम रेगुलर बैच में सॉल्व करते हैं वैसे ही होगा। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी सिर्फ हमारे अंदर रहेगा, क्योंकि वी आर क्लोजर टू द एग्जाम एज कंपेयर टू एटलीस्ट रेगुलर बैच। तो 3 टाइप के चैप्टर्स है कॉस्टिंग में, सब लोग जानते हैं, और वो 3 टाइप के चैप्टर्स है, बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड टॉपिक्स, देन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, क्या होता है उसमें, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, एंड तीसरा है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, तीसरा है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ओके, अगर आपको सिलेबस भी अच्छे से पता है तो डेफिनेटली और नोइंग बेसिक नॉलेज में कौन से चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, Introduction to Cost and Management Accounting, then material cost, then employee cost, then overheads and absorption costing, then activity-based costing, then integrated and non-integrated accounting, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ये चैप्टर्स है। आप समझ रहे बच्चों, बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड टॉपिक्स कौन से, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स, एबीसी, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। वैसे ये बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट का ही पार्ट है, बट यू कैन से देयर इज वन मोर चैप्टर कॉल्ड एज कॉस्ट शीट, जो आपको मैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दूंगा, राइट। तो दीज आर 7 चैप्टर जो बेसिक में है, करेक्ट है। देन देयर इज प्रोसेस ऑब्लिक ऑपरेशन कॉस्टिंग, प्रोसेस और ऑपरेशन कॉस्टिंग, देन सर्विस कॉस्टिंग, देन देयर इज यूनिट ऑब्लिक जॉब कॉस्टिंग, देन देयर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, देन जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है बच्चों, यस और नो, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी राइट ऑफ चैप्टर्स ये है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। एंड एट इंटरमीडिएट लेवल टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में हम पढ़ने वाले हैं बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग माय फ्रेंड्स। तो ये अपना सिलेबस है। ओके, आपको लगता है कि सर ये सिलेबस 60 आवर्स में इतना कंप्लीट करोगे क्या? तो यस, आप देखो बच्चों ये सिलेबस है, ये जब मैंने फर्स्ट डे रेगुलर बैच में बताया ना तब तक ना 40 मिनट्स हो चुके थे, तब तक 40 मिनट्स हो चुके थे बच्चों। अब प्रोफेसर कैसे, सिलेबस तो आपने हमें भी बताया नहीं। अब देखो यहाँ पे मटेरियल लिखा मैंने, उधर मैंने मटेरियल कॉस्ट ऐसे पूरा डिटेल में लिखा, फिर मटेरियल कॉस्ट में क्या होता है वो थोड़ा 2-3 मिनट एक्सप्लेन किया। वो आपको आज जरूरत नहीं है क्योंकि योर क्लोजर, तुम्हारा वो मैच्योरिटी, भले एक बार फेल हो गए हो बट वो फेल होके भी जो मैच्योरिटी तुमने डेवलप की है वो मैच्योरिटी प्लस 60 आवर्स, भले ही तुम फेल हुए हो, भले ही तुमने एग्जाम आज तक दिया ही नहीं, भले ही तुमने रेगुलर बैच ठीक से नहीं किया है, बट जो तुम्हारा मैच्योरिटी का लेवल है आज बिफोर द एग्जामिनेशन जो ऑटोमेटिकली आता है स्टूडेंट के अंदर, प्लस ये 60 आवर्स तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। प्लस दी 60 आवर्स डेफिनेटली यू विल गेट 60 प्लस मार्क्स इन कॉस्टिंग, 60 प्लस 70 प्लस मार्क्स, ये हमारा टारगेट है आफ्टर अटेंडिंग दिस बैच माय फ्रेंड्स। तो दिस इज व्हाट इज द सिलेबस। ओके, अभी आप बोलोगे कि सर करीबन हर चैप्टर पे तुम कितने लेक्चर्स लोगे? तो अप्रोक्सीमेटली 2 लेक्चर्स ऑन एवरी चैप्टर, बट उसमें से कुछ चैप्टर ये है जैसे कि कॉस्ट शीट, इसको 2 लेक्चर लगने ही वाले। ओके, ऐसा अगर आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट देखोगे तो इट विल टेक ओनली 25 लेक्चर्स। 25 का 26 हुआ तो आप उतना माइंड कर लेना, उतना मुझे माफ कर देना। 25 लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू फिनिश राइट, फिनिश दीज 113 क्वेश्चन जो मैंने इसमें प्रिंट में दिए हुए आपको, प्लस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और डिक्टेट करके यहाँ पे बताऊंगा। एंड ये उसके बाद में वी विल से दैट दिस बैच हैज बीन वंडरफुली कंप्लीटेड माय फ्रेंड्स। सो प्लीज बिकम रेडी राइट। चलो सीट बेल्ट पहन लो सब लोग, हम लोग आगे निकलने वाले हैं अभी। आप लोग, आप समझ रहे हो, थोड़ा जर्क बैठेगा अभी, सीट बेल्ट लगा दो तो आपको लगेगा कि ये प्रोसेस स्मूथ हो रहा है बच्चों। चलो लगाया सीट बेल्ट फिर, यस और नो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम लोग अभी उड़ान के लिए तैयार है बच्चों। ठीक है, तो चलो ये 3 कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड इसी के अंदर मैं आपको कॉस्ट शीट भी पढ़ाऊंगा। ओके, अब तुम बोलोगे कि सर हम इसके लिए जो नोटबुक अभी बनाने जा रहे हैं, नोटबुक आपको आज से बनाना है, अभी नोटबुक होना चाहिए तुम्हारे पास। ओके, तो इसमें जैसे आप ये पूरा लिख के दोगे, ये सब लिखेंगे क्या? तो आंसर इज यस। जितना बेसिक इंपॉर्टेंट काम का थ्योरी है वो भी मैं आपको लिख के दूंगा, वो भी मैं आपको लिख के दूंगा बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, एंड एज दिस इज अ एग्जाम ओरिएंटेड बैच, मैं आपको जरूर इसमें पेपर का फॉर्मेट बताना चाहूंगा बच्चों। ओके, तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है ऑलरेडी एक बार और फेल हो चुके हैं उनको तो पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कॉस्टिंग का पेपर का फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, ऐसा होता है। ये 5 में से कोई भी 4 आपको सॉल्व करना होता है। हर क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, तो 20 × 4, 80, एंड ये 20 + 80 ऑब्वियसली 100 मार्क्स का आपका पेपर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज तक क्या, अगर आप सारे इंटरमीडिएट के पेपर देखोगे बच्चों तो भी आपको समझेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट ऑफ द टाइम्स थियरी क्वेश्चन होता है एंड बाकी के सब प्रैक्टिकल होते हैं। एक हाथ थियरी क्वेश्चन कभी कभी डाल देते 2, 3, 4 में। आपको आप लोगों ने सब 20-20 मार्क के 5 ही क्वेश्चन होते हैं क्या सिर्फ? फिर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये जो 20 मार्क है, इट कैन बी 5 + 5 + 5 + 5, और इट कैन बी 10 + 10, और इट कैन बी 10 + 5 + 5, और इट कैन बी 12 + 4 + 4, ऐसा हो सकता है, ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी राइट, ये जो भी एक 20 मार्क का क्वेश्चन है इसका ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि 20-20 मार्क का एक ही क्वेश्चन होता है राइट, 20 मार्क का क्वेश्चन ऑन मटेरियल, 20 मार्क का क्वेश्चन ऑन लेबर, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो 20 मार्क का ब्रेकअप कैन बी एनीथिंग माय फ्रेंड्स, ये आपको पता है। यस और नो? तो आप बताओ बच्चों, अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 थियरी है, 2 मिनट के लिए मान लो कि हमें ये क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, एंड आप ये 2, 3, 4, 5 सॉल्व करोगे तो बहुत सारे एग्जाम पेपर्स अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा 100 के 100 मार्क का प्रैक्टिकल आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। एंड इमेजिन करो 100 के 100 मार्क का प्रैक्टिकल, एंड अगर आपने करेक्टली सॉल्व किया है यू कैन एक्सपेक्ट 90+ मार्क्स इन दिस माय फ्रेंड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो एक दो क्वेश्चन मान लो 8 मार्क के गए, 12 मार्क के गए, तो भी 60 मार्क्स मिलाना इस पेपर में, एग्जाम्शन लाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है बच्चों, राइट। इसके लिए 60 आवर्स आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी मैं आपको कॉन्फिडेंट बना दूंगा कि आप 60+ मार्क्स इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं बच्चों, ओके। नॉट ओनली दिस रिवीजन बैच, ये रिवीजन बैच के बाद में ओके, मैं YouTube पे ही एक आपका मैराथन लेक्चर लूंगा 12 घंटे का, हाँ, बट उसमें मैं ऐसे फुर्सत से बात नहीं करूंगा, फिर उसमें ऐसा बस चिल्लाना बुलाना होगा, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, ऐसा है वैसा है, वो होगा मैराथन। मैराथन मतलब समझते हैं ना, वो 12 घंटे में आपने को पूरे सब्जेक्ट का रिव्यू लेना, करेक्ट है। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा है उसको कुछ समझता नहीं है उसमें से, आप जानते हो With due respect to everyone, तो वो 12 घंटे में, बट अगर आप अच्छे से ये सब कुछ करके रखते हो तो वो 12 घंटे में आपको लगेगा हाँ नाउ आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। तो मैराथन आएगा, पेपर सॉल्विंग बैच भी हम लेंगे YouTube पे, पेपर सॉल्विंग, बट वो अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपके लिए वो बहुत राइट अभी 11th आवर पे हो जाएगा। अगर आप ये 60 आवर्स भी कर रहे हो बच्चों, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ओके। तो सब लोग राइट जो भी कुछ अभी ये वी स्मार्ट चैनल पे यूट्यूब पे देख रहे हो, विनोद रेड्डी चैनल पे देख रहे हो, आप प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, विनोद रेड्डी चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वी स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। अगर विनोद रेड्डी चैनल पे अगर कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो कमेंट सिर्फ सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों, राइट। ये चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, आप समझ रहे हो, तो प्लीज राइट सब्सक्राइब करो ये सब चैनल्स को माय फ्रेंड्स। एंड लेट अस बिगिन आवर जर्नी ऑफ 60 आवर्स माय फ्रेंड्स, अराउंड 60 आवर्स, एक आध 2 घंटे कम ज्यादा हो सकते हैं बच्चों। तो मैंने ये पेपर का फॉर्मेट आपको बताया, अब बताओ बच्चों ये पेपर का फॉर्मेट देखते हुए राइट डेफिनेटली आपको समझता है कि थियरी क्वेश्चन भी आता है बट उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, आपको थियरी इग्नोर करना है क्या, नहीं, क्योंकि कुछ थियरी समझे बिना तो आप प्रैक्टिकल समझ ही नहीं पाओगे, वो थियरी हमें सीखना ही है, राइट। प्लस आपको पॉइंट्स के फॉर्मेट में थियरी याद करना है, अननेसेसरी एसेज नहीं लिखना है हमें। कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल पेपर का थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब जो पेपर चेक कर रहा है उसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, उसको कोई ऐसे नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जस्ट उसको चाहिए 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, जो भी है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। आपको पूछा, उसको कोई आपको कॉस्ट शीट के बारे में राइट फिलोसॉफी नहीं चाहिए, उसको चाहिए अबनॉर्मल आइटम्स, राइट, दीज अबनॉर्मल आइटम्स, आइटम्स प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पेनल्टीज, फाइन्स एक्सेट्रा विल नॉट कम इन कॉस्ट शीट। 6 पॉइंट चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अननेसेसरी उसको और रामायण नहीं चाहिए, राइट। ऑन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, उसको 3 से 4 पॉइंट चाहिए, करेक्ट। और कॉस्ट कंट्रोल इज टेंपरेरी, कॉस्ट रिडक्शन इज परमानेंट, कॉस्ट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, कॉस्ट रिडक्शन इज बेस्ड ऑन दिस बिलीफ, कॉस्ट कंट्रोल हैज अ विजिबल एंड, कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड। ये पॉइंट्स चाहिए उसको, आप समझ रहे हो, 3-4 जो भी पॉइंट्स है उतना हम सीखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इस बैच में हम लोग को जो रिक्वायर्ड थियरी है, जो फर्स्ट चैप्टर में है, मटेरियल्स में कुछ थियरी पार्ट है, एम्प्लॉय में है, आगे के चैप्टर्स तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रैक्टिकल है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में हार्डली कुछ थियरी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हार्डली कुछ थियरी है, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल में थोड़ा बहुत थियरी है, करेक्ट और नॉट, प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत कम थियरी है, ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग में कम थियरी है। तो सीधी सी बात है ये हम कंप्लीट करने वाले, बट आवर मोर फोकस विल बी ऑन प्रैक्टिकल पार्ट, जो हमारा स्कोरिंग एरिया रहने वाला है बच्चों, राइट। प्रैक्टिकल पार्ट जो हमारा बहुत बड़ा स्कोरिंग एरिया रहने वाला है बच्चों, ठीक है। फिर तो चलो, टुडे विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको नोटबुक बनाना है बच्चों, वो नोटबुक में जो मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ में लिखना भी है, राइट। हमें कुछ ऐसे गड़बड़ में बात कर रहे हैं हम लोग, लिखने को फुर्सत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से चलेंगे हम लोग 60 आवर्स तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? यस और नो? 60 आवर्स का जर्नी भी बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है आप सबके लिए। तो ये मैंने पेपर का फॉर्मेट बताया बच्चों, ये फॉर्मेट कंसीडर करते हुए हमने एक एनालिसिस किया है कि आर मोर एम्फोसिस शुड बी ऑन प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस, ओके। इस ये कंसीडर करते हुए अराउंड 130 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस बैच, एंड इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उस पे है, वो आप डाउनलोड कर लो। विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर बच्चों, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, आप लिखो चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन, लिखो लिखो। नोटबुक बनाना है बच्चों सब लोगों को, बिना नोटबुक के ये बैच कंप्लीट नहीं हो सकता। ये बैच के लिए स्पेसिफिक नोटबुक रहेगा आपके पास। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट शीट, एंड कॉस्ट शीट, इतना आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आज और कल के लेक्चर में हम बेसिक सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मटेरियल सीखेंगे, तो नेक्स्ट दो लेक्चर मटेरियल्स, ऐसा एक एक करके चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या? तो कॉस्ट इज, सिंपल वर्ड्स में क्या है, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और इन रेंडरिंग सर्विसेज, करेक्ट है। बट आप मुझे बताओ ये कॉस्ट का सिंपल डेफिनेशन हुआ। ओके, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये आप बोल रहे हो। बट आप मुझे बताओ, अगर ये बैच में जो 60 आवर्स पढ़ाने वाला हूं उसके बदले में मैं कोई और 60 आवर्स दूसरा काम किया एंड समझो मैं 10 लाख रुपए अर्न कर सकता था, तो दैट 10 लाख रुपीज आई हैव सैक्रिफाइस फॉर कंडक्टिंग दिस बैच इज आल्सो कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग दिस बैच। बट ये 10 लाख रुपए मैं कहीं पे जेब से निकाल के किसी को दे रहा हूं क्या? नहीं, ये 10 लाख क्या है, because I have taken a decision to conduct this batch for 60 hours, I am not able to do some other work जो 60 hours में हो सकता था, तो revenue foregone या profit foregone from that या profit I would have otherwise made if I wouldn't have taken this batch. Is the opportunity cost for conducting this batch or not? But this is not the expenditure incurred, my friends. So ये जो simple definition है cost का, cost is the expenditure incurred. It doesn't cover right the opportunity cost. इसलिए हमने cost का और definition better बनाया और वो है, चलो write down, cost is the, आप लिख रहे हो बच्चों। एंड देखो बच्चों मैं वापस बता दूं, आपको कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ी लिखते बैठेंगे, राइट। थोड़ा सा अभी गाड़ी स्टार्ट हुआ है, हमने पटरी पे पकड़ने दो, स्पीड पकड़ने दो, अब बहुत मजा आने वाला है आपको सबको, प्लस बट बहुत मजा आ रहा है ये सब कर रहा है, तो भी हमें पेशेंस छोड़ना नहीं है बच्चों, सब कुछ हमें लिखना है। कॉस्टिंग में सबसे बड़ा, अगर आप एक बार फेल हुए हो तो आपको एग्जैक्टली पता है कॉस्टिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है। जब हम टीचर के साथ सॉल्व करते हैं ना बच्चों, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, एंड जब खुद करने लग जाए ना कुछ भी याद नहीं आता है। इसका रीजन क्या है बता दूं, जब आप इसके पहले कभी रिविजन किए ना बच्चों, तो क्या किए आपने, ऐसे क्वेश्चन सामने रखे, आंसर सामने रखे, क्वेश्चन इधर है आंसर इधर है, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, हाँ इसमें डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा फिर आंसर में देते हो, हाँ ये यहाँ से आया, हाँ 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 यहाँ से आया, हाँ ये 35,000 इधर से आया, अच्छा ये 40,000 कहाँ से आया, 40,000 कहाँ से आया, फिर क्वेश्चन में देख रहे 40,000 कहाँ से आया। इट्स अ टाइम पास, इट्स अ टाइम पास। पढ़ाई करने का राइट तरीका है, पढ़ाई करने का राइट तरीका है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है ब्लैंक पेज पे, राइट, आए ना आए आपको पूरी कोशिश करना है, उसके बाद आंसर देखना है, चेक करना है आपका आंसर करेक्ट है क्या, नहीं है तो क्या मिस्टेक किया, आपको कुछ ध्यान में आ ही नहीं रहा था क्यों नहीं आ रहा था और क्या आंसर है, ये सही तरीका है। एंड ऐसे करते करते धीरे 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 आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा एंड फिर आप बोल सकते हो कि सर अब मैं इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बच्चों ये कोई मैजिक तो होने नहीं वाला है, बिना प्रैक्टिस किए होने नहीं वाला है। तो अब इस बैच में भी बच्चों राइट, अगर आप वही करोगे तो आपका पुराना फॉर्मूला पुराना रिजल्ट ही लाएगा जो है फेल, पुराना फॉर्मूला पुराना रिजल्ट ही लाएगा जो था फेल। अब नया फॉर्मूला बनाओ तो नया रिजल्ट आएगा। नया फॉर्मूला मतलब कॉस्टिंग में नए फॉर्मूले नहीं बनाएंगे हम लोग, नया फॉर्मूला पढ़ाई का, और वो पढ़ाई का नया फॉर्मूला होगा कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सर एंड सोचेंगे खुद कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, एंड उसके साथ साथ में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड फिर आपका आंसर भी हम लोग एनालाइज करेंगे। कभी आपको लगता है रिवीजन बैच में बाय चांस बाद में लगा कि सर राइट मैं खुद सॉल्व करने के लिए मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए था, ठीक है भाई उसमें समय के लिए वीडियो पॉज कर देना लगे तो, करेक्ट और नॉट। बट make sure ki you are increasing your own understanding, your own analytical ability. Otherwise, right, no one can help you as far as the subject of costing is concerned. क्योंकि यहाँ पे generally costing में आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे questions बहुत अलग-अलग format में solve होते हैं, right? जैसे FM में, accounts में, to an extent एक uniformity होती है कि ये adjustments रहा तो ये format में solve करना रहता है. Format most of the time fix होता है. Costing में, right, एक ही chapter में, right, अलग-अलग formats रहते हैं, अलग-अलग way तरीके से लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है, मैंने आंसर दिया है टैबुलर फॉर्म में दिया है, किसी ने और फॉर्मेट में आंसर दिया है. ये अलग-अलग रह सकता है बच्चों, बट अल्टीमेटली आंसर तो सबका सेम ही होता है ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप आवर ओन एनालिटिकल एबिलिटी माय फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट एबिलिटी. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, आप ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लेना बच्चों. समझ में आ रहा है सबको ये? तो चलो बोलो, व्हाट इज कॉस्ट? तो कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल. एंड आपको लिखना है, जितना मैं लिख रहा हूं उतना आपको भी लिखना है बच्चों. कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल sacrifices made to achieve an objective. Cost is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. Are you understanding this? तो ये हुआ cost. तो फिर आप लोग सर costing क्या होता है फिर? तो costing is, अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, आपने कभी wording use किया रहेगा कि अरे यार एक product में बना रहा हूँ, पहले मैं उसका costing करता हूँ and देखता हूँ मैं क्या selling price set कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ पहले ये competition में टिक पाएगा या नहीं. कोई इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट है, हम बोलते हैं चलो यार पहले उसका कॉस्टिंग करते हैं एंड बाद में चेक करते हैं कि वो प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है. तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग मींस बोलो बच्चों, वेरियस मेथड्स ऑब्लिक प्रोसेसेस ऑब्लिक टेक्निक्स यूज्ड फॉर ascertainment of cost. Costing means various methods, processes, techniques used for ascertainment of cost. अच्छा ये हुआ costing. फिर cost accounting क्या है? ये आपके दिमाग में आता रहेगा सर, cost समझा, cost accounting समझा, costing समझा, फिर cost accounting क्या है? Yes, तो cost accounting क्या है बताओ, formal definition क्या करते हैं हम लोग? हाँ बोलो. costing में collection of cost, classification of cost, allocation of cost, आगे जाना ही है तो अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट, रीअपॉर्चनमेंट, एब्सॉर्प्शन, वो ओवरहेड्स में. तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड. तो राइट ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज कलेक्शन कॉमा क्लासिफिकेशन कॉमा अप्रोप्रिएट अलोकेशन collection, classification, appropriate allocation of expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services. This is the definition of cost accounting, my friends. समझ में आ रहा है आपको ये? तो ये हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, तो कॉस्ट का डेफिनेशन समझा, कॉस्टिंग का डेफिनेशन समझा, कॉस्ट अकाउंटिंग का समझा. तो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अपने पेपर का नाम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बच्चों. तो सवाल ये उठ रहा है अभी कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप ही बताओ. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, हाँ बोलो, इट इज application and use of management. ये वर्ड आया मतलब ही डिसीजन मेकिंग आ गया, करेक्ट और नॉट? तो इट इज एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यूज ऑफ, हाँ बोलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉमा कॉस्ट अकाउंटिंग कॉमा फाइनेंशियल मैनेजमेंट in order to create, protect, preserve, maintain, increase value for the stakeholders. Value for the stakeholders. Stakeholders of a profit making or non-profit making enterprise. Profit making or non-profit making enterprise of public or private sector. Of public और प्राइवेट सेक्टर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग माय फ्रेंड्स. तो इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों. आप समझ रहे हो क्या? आप देखो बच्चों, रेगुलर बैच में एक्चुअली ये जो चार डेफिनेशन है ना बच्चों, मैं 1 घंटे से ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, बट डेफिनेटली मैं क्या बोला था आपको, आपका मैच्योरिटी अभी स्टेज पे जो है एंड ये 60 आवर्स, राइट, वी विल कवर एवरीथिंग. We will cover everything. तो चलो बोलो, what is cost? It is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. Correct है? Then what is costing? Costing means various methods and processes, techniques used for ascertainment of cost. What is cost accounting? It is collection, classification, and appropriate allocation of expenditure incurred in producing goods and or in rendering services. What is management accounting then? It is application and use of financial accounting, cost accounting and financial management in order to create, protect, preserve, maintain, increase the value for the stakeholders of a profit making or non-profit making enterprise of public or private sector. तो ये डेफिनेशंस है बच्चों. इतने डेफिनेशंस आप कंप्लीट कर दोगे. करेक्ट है? जैसे हमने कॉस्ट की बात की थी, वैसे ही कॉस्ट ओके के साथ साथ में सम टर्म्स आर अल्टरनेटिवली यूज्ड, जिसका नाम होता है प्राइस एंड वैल्यू. Cost, price, and value. Even though these three terms are interchangeably used, there is a difference in the meaning of these three terms. कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू में डिफरेंस है बच्चों, ये आप जानते हो. तो क्या डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू में? ओके, तो कॉस्ट का डेफिनेशन आप जानते हो, इट इज मॉनेटरी वैल्यू. It is monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. It is monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. That is in order to produce the goods and or in rendering the services. So this is, price is the monetary consideration. Price is the monetary consideration to be paid. by buyer to seller. Correct है? And value is the relative worth derived by consumer by using the goods and or in services. जैसे अभी मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों, ये जो बैच में आपका 60 आवर्स का ले रहा हूं, इसका वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सेम पर्सन ऑल्सो. हो सकता है कि आप में से कुछ बोले, अरे यार ये क्या विनोद रेड्डी पागल है यार, ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है, ऐसा है वैसा है वैसा है. आपको ये लेक्चर लगा ये लेक्चर यूजलेस है, ऐसा समझो किसी ने बोल दिया. ऐसे बोलेगा नहीं कोई, मैं जानता हूं, बट बोल दिया. जब यही लेक्चर वो एग्जाम के 15 दिन पहले देखेगा ना, तो वो बोलेगा काश मैं ये ठीक से कर लेता. अब बताओ, वैल्यू ऑफ द सेम लेक्चर हैज इंक्रीज्ड. वैल्यू मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी डिराइव्ड. इट इज सब्जेक्ट टू टाइम, इट इज सब्जेक्ट टू प्लेस, इट इज सब्जेक्ट टू पर्सन. करेक्ट और नॉट? इट चेंजेस. करेक्ट और नॉट? टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, राइट, पर्सन यूटिलिटी, आपने पढ़ा रहेगा, राइट, फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में. एनीवे, तो चलो कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू ये सबको समझा के बताओ बच्चों. जो भी लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप एक बार मुझे कमेंट में बता दो बच्चों, ये सब समझ रहा है क्या? आप नोटबुक बना रहे हो क्या? आप यस सर, नो सर, जो भी, आप मुझे प्लीज बता दो बच्चों कमेंट्स में, ताकि मुझे भी समझेगा कि ये चल क्या रहा है एग्जैक्टली. यस बच्चों, प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दो. कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू का मैं डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं. यहां तक सबको समझ रहा है क्या? आप नोटबुक बना रहे हो क्या? यस, आप लिखो नोटबुक, आप लिखो कमेंट में, लिखो सर वी आर प्रिपेयरिंग द नोटबुक, वी आर राइटिंग. आप लिखो बच्चों, प्लीज कमेंट में लिखो. यस यस सर, यस सर, यस सर बोल रहे हैं आप. प्लीज लिखो बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं, उसके बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा. अब यहाँ पे आज अभी तो सिर्फ अपना 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट, ये हमें 60 आवर्स का जर्नी कंप्लीट करना है बच्चों. जो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसमें। ओके चलो बच्चों, फिर कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू का मीनिंग लिखा है हमने। देन कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इज अ, इट इज अ फैक्ट, कॉस्ट इज अ फैक्ट, करेक्ट है। कॉस्ट जो होता है ये फैक्ट है, इतना कॉस्ट है, करेक्ट है। इट इज अ फैक्ट, करेक्ट है। प्राइस इज अ पॉलिसी, प्राइस इज अ पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी होता है, करेक्ट। स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, आरओआई प्राइसिंग, करेक्ट और नॉट। देन कैलेंडर टाइम प्राइसिंग, क्लॉक टाइम प्राइसिंग, राइट, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसीज होते हैं बच्चों। जैसे रिलायंस जियो का पेनिट्रेशन प्राइसिंग था, चार्ज लेस एट द बिगिनिंग देन इंक्रीज द प्राइस, करेक्ट और नॉट। आईफोन 13 का, आईफोन 13 आया हुआ है तो उसका स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी है, चार्ज मोर एट द बिगिनिंग। चार्ज जो डेस्परेट कस्टमर है, जो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है, पहले उनको टैप करो, धीरे धीरे प्राइस कम करो, करेक्ट है। जियो का वो बोल रहा है पहले तो फ्री दे दो एंड लोगों को आदत लगाओ एंड उसके बाद में धीरे धीरे प्राइस बढ़ाओ। हर एक का प्राइसिंग का अपना अपना पॉलिसी होता है, प्राइस इज अ पॉलिसी। जैसे कि देखो बच्चों, अब ये बैच हमने 10 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे एंड उसके बाद में भी अगर आपको ये लेक्चर पूरे बाय भी करना है तो 1000 रुपीज प्राइस है, सिर्फ कितना है 1000। तो ये हमारा प्राइसिंग पॉलिसी है बच्चों, राइट। इससे हम क्या अचीव करते हैं, क्या नहीं, ये आप सबको पता है। प्राइसिंग हमारा अपना पॉलिसी है, करेक्ट और नॉट। प्राइसिंग इज अ पॉलिसी एंड वैल्यू इज एन ओपिनियन, वैल्यू इज एन ओपिनियन, करेक्ट और नॉट। देन कॉस्ट इज असcertained फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट इज असcertained फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइस इज असcertained फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, price is ascertained from seller's point of view and value is ascertained from consumer's point of view, value is ascertained from consumer's point of view, my friends. Are you understanding this? तो समझ में आ रहा है आपको ये कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस समझा क्या, बताओ बच्चों। चलो अभी तक, चलो मैं 1 मिनट वेट करता हूं। अभी तक आपने जो भी नोटबुक में लिखा है, नोटबुक में लिखा है बच्चों, तो एक काम करो, मैं 1 मिनट वेट करता हूं। सिर्फ कॉस्ट, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस, इतना पढ़ लो। मैं सिर्फ 60 सेकंड्स वेट करूंगा, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूं। यस, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर वी आर प्रिपेयरिंग द नोटबुक, वी आर राइटिंग। यस, वेरी गुड बच्चों, आप नोटबुक बनाओ प्रॉपरली। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये 60 आवर्स में आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, माय फ्रेंड्स। चलो वेट करता हूं, आप सोचते रहोगे कि 60 सेकंड बोला वेट, तो 10 सेकंड भी नहीं किया। यस बच्चों, हो गया ये कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस लिख के, हो गया क्या? यस और नो? ओके चलो, अब मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो बच्चों, ये जो आप नोट्स बना रहे हो ना अभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। क्योंकि सबसे बेस्ट दुनिया में नोट्स कौन से होते हैं मालूम है क्या? जो खुद अपने हाथों से लिखिए, सबसे बेस्ट वो नोट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव्स है बोलो? कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट असर्टेनमेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट असर्टेनमेंट। देन कॉस्ट एस्टिमेशन। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट असर्टेनमेंट में एंड कॉस्ट एस्टिमेशन में? कॉस्ट असर्टेनमेंट में एंड कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट इज असर्टेन जनरली आफ्टर इनकरिंग द कॉस्ट, व्हेयरएज कॉस्ट एस्टिमेशन इज इन एडवांस प्रेडिक्टिंग द कॉस्ट। देन कॉस्ट कंट्रोल, cost control. Then fourth, cost reduction, cost control, then cost reduction, correct. And fifth, assisting management, assisting management in decision making, assisting management in decision making, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू राइट दिस 5 पॉइंट्स. कौन सा? कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. क्या डिसीजंस मैनेजमेंट को लेना होता है बच्चों? ओके, मेक और बाय डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजंस. अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा था, कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजंस, कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजंस. नेक्स्ट, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस एक्सेट्रा. कंपनी में हजारों डिसीजंस लेना होता है बच्चों, मेक और बाय द रॉ मटेरियल, कंटिन्यू और शटडाउन, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे प्रोडक्शन करना चाहिए या ऑटोमेटिक मैन्युअली प्रोडक्शन करना चाहिए या कंप्यूटराइज करना या राइट मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्शन होना चाहिए. हजारों टाइप के डिसीजंस होते हैं कंपनी में. अच्छा, ये डिसीजंस कंपनी टॉस करके लेती है क्या? फिर ये डिसीजंस कंपनी टॉस करके लेती है क्या? टॉस करके कोई डिसीजन लेगा क्या? अच्छा, हेड आया तो मैनुअल प्रोडक्शन, टेल आया तो मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्शन. हेड आया तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, टेल आया तो मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए. ऐसा कोई होता है क्या? नहीं. देयर इज अ प्रॉपर इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड ये इनपुट जो प्रोवाइड करता है वही तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बच्चों. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, करेक्ट है. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आप ये 5 पॉइंट लिखोगे बच्चों. कौन से 5 पॉइंट लिखे आपने? कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड असिस्टिंग मैनेजमेंट इन decision making, assisting management in decision making. So these are the objectives of cost accounting, my friends. These are the objectives of cost accounting. I hope this is clear to everyone. तो ये 5 objectives है. Okay, अब आप लोग इसे cost control and cost reduction में क्या difference होता है? तो there is a difference in cost control and cost reduction also, my friends. कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस होता है. अब आप लोगों से क्या डिफरेंस है वो तो बताओ. अब सुनो, समझो मैं ये टाइप के कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करता हूं एंड समझो इसका मेरा एक्चुअल कॉस्ट अभी 50 रुपए है, 50 रुपए पर यूनिट मेरे लिए कॉस्ट है. बट मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखा, बहुत सारे कंपनीज का डेटा एनालाइज किया, उनका सेलिंग प्राइस एनालाइज किया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को पूछा एंड वो बोल रहा है कि ये कैलकुलेटर का स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 रुपए ही है, 40 रुपए में बनना चाहिए. मेरा कॉस्ट क्या है? 50. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? 40. तो अब मेरा टारगेट कॉस्ट है 40 रुपीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. अब मेरा टारगेट कॉस्ट है 40 रुपीज. तो 50 रुपए का कॉस्ट अब मुझे 40 रुपए तक लेके जाना है. उसके लिए कुछ रिसर्च करना पड़ेगा मुझे, किस टाइप का मटेरियल यूज करना है, किस टाइप के एम्प्लॉइज यूज करना है, कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना है, कौन सा वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर है, कौन सा नॉन वैल्यू एडेड है, ये सब एनालाइज करके मुझे कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा बच्चों? 40 रुपए तक पहुंचना पड़ेगा. तो I can say that my cost control program has come to an end once I reach that 40 रुपीज टारगेट कॉस्ट तक पहुंच गया मैं. मेरा कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम हैज कम टू एन एंड, ऐसा मैं बोल सकता हूं. whereas कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है? अच्छा, तुम 40 रुपए अचीव किए, अब क्यों रुके हो और R&D करो? मुझे बताओ बच्चों, जो मान लो मोबाइल कुछ सालों पहले 2000 रुपए में कॉस्ट रहेगा, आज वो 100 रुपए में बनता रहेगा. पॉसिबल है? इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बैठे ये लोग. Yes or no? जो चीज पहले 1000 रुपए में बनती थी, आज वो, अब साइंस इतना डेवलप हो चुका है, राइट, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इतने एडवांस हो चुके हैं, मशीन्स इतने आ चुके हैं, करेक्ट और नॉट, राइट, ऑटोमेशन इतना हो चुका है कि इसकी वजह से अब पहले जो 1000 रुपए लगता था अब वो 800 में होता है या 700 में होता है या 400 में होता है. अच्छा, 400 तक आए तो रुक जाओ, ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस एंड अनएंडिंग स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है वो टेम्पररी होता है, करेक्ट और नॉट. वंस द टारगेट कॉस्ट इज अचीव्ड, मतलब मैंने बोला था आपको कि हमारा कॉस्ट 50 है कैलकुलेटर का, मन टारगेट कॉस्ट 40 है, 40 रुपए तक तुम पहुंच गए, 40 रुपए तक तुम पहुंच गए, टारगेट कॉस्ट हैज बीन अचीव्ड, टारगेट कॉस्ट हैज बीन अचीव्ड, कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम विल कम टू एन एंड. व्हेयरएज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम जो होता है बच्चों, इट इज परमानेंट, इट इज, बोलो बच्चों, परमानेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एज इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, कंटिन्यू परमानेंट एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोग्राम. एज इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट, एज इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ, it is based on belief that there is continuous there is continuous and unending, scope for further reduction in cost. Continuous and unending scope for further reduction in cost. Are you understanding, my friends? So this cost control and cost reduction, there is a continuous and unending scope for further reduction in cost. Cost control will set the standard, and will take the steps to achieve the standard. It will challenge the standard. वो बोलेगा यहां तक पहुंच गए तो यहां पे भी हम रुकेंगे नहीं, हम लोग और आगे जाने की कोशिश करेंगे. कॉस्ट कंट्रोल हैज द विजिबल एंड. कॉस्ट कंट्रोल को एक एंड भी है कि मतलब इतना कॉस्ट अचीव हुआ, कॉस्ट प्रोग्राम, कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम हैज कम टू एन एंड. देयर इज नो विजिबल एंड, टू कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम. माय फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कॉस्ट कंट्रोल का जो फोकस है वो पास्ट एंड प्रेजेंट पे है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन का फोकस जो है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे ज्यादा है. फ्यूचर एंड प्रेजेंट, आप समझ रहे हो या नहीं? आपको लग रहा है सर और क्या डिफरेंस है? तो कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स जो होते हैं वो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, सिर्फ स्टेप्स इतना लिखता हूँ. कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स होते हैं बच्चों. ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट, तुम्हारा कॉस्ट क्या है. फाइंड आउट द टारगेट कॉस्ट, तुम्हारा कॉस्ट क्या है, क्या होना चाहिए. फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस कितना है. एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू रीच दैट स्टैंडर्ड, ये कॉस्ट कंट्रोल. जबकि कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन वैल्यू चेन एनालिसिस, जो आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी सीखा है. कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन वैल्यू चेन एनालिसिस. आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, then classify the activities into value added and non value added activities, then improvise the value added activities and eliminate, curtail, delete the non value added activities. This is the part of cost reduction program, which is a continuous and unending process. Are you understanding, my friends? So this is कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस. यहां तक समझे क्या? एंड लिख के लिए क्या? आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दो बच्चों, प्लीज कमेंट में बता दो यहां तक आपने लिखे क्या एंड समझे क्या. प्लीज बच्चों, सब लोग मुझे कमेंट में बता दो. यस बच्चों, ओके, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ऐसा कमेंट आ रहा है. सब लोग बता दो बच्चों फटाफट. यस सर बोल रहे हो. यस, वेरी गुड बच्चों. तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का ये डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों. कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का ये डिफरेंस हमने लिख लिया है. ठीक है बच्चों, तो यहां तक अभी तक जो भी सिखाया मैंने, क्या लग रहा है आपको? ये वेदर दिस बूस्टर इज गोइंग टू हेल्प यू, आप मुझे बता दो बच्चों. क्या एक फील, एक ओवरऑल जो ओपनिंग फील क्या आ रहा है आपको, इतना तो बता दो मुझे, ताकि एक मुझे भी मोटिवेशन मिले. क्या फील आ रहा है आपको? आपको भी लगता है मैंने ये बैच 60 आवर्स में कॉस्टिंग ये पहले भी बहुत बार लिया हुआ है, फेस टू फेस लिया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, थैंक्स टू कोरोना की दिस इज कमिंग ऑन यूट्यूब. यस, अच्छे कमेंट्स आ रहे, बहुत मजा आ रहा है. चलो बच्चों, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ये हो चुका है. ओके, साथ में बच्चों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो. ये भी डिफरेंस कभी-कभी पूछते, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देयर इज अ डिफरेंस. जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये डिफरेंस है, वो तो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा रहेगा. कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देयर इज अ डिफरेंस, माय फ्रेंड्स. यस, एंजॉयिंग द बैच बोल रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स, वेरी गुड बच्चों. चलो, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस देखते चलेगा. तो कॉस्ट अकाउंट, सबसे पहले तो डेफिनेशन. चलो एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते वापस अभी, अपना साथ में रिविजन भी हो जाएगा. रिवीजन के अंदर रिवीजन हो जाएगा। चलो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे लिख दो बच्चों प्लीज प्लीज, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे लिख दो बच्चों आप प्लीज, लिखे क्या? एंड चलो एक काम करो, पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखो, आप लिखो डेफिनेशन, मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, आप लिखो डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज, इतना तो पता है ना बच्चों, कलेक्शन कॉमा क्लासिफिकेशन। मत पीछे जाके मत देखो मेरे भाई, अगर जाके देखोगे तो वापस डिपेंडेंट हो गए ना हम लोग। गलती करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गलती से सीखो, वो इंपॉर्टेंट है। इट इज कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड एप्रोप्रिएट अलोकेशन, एंड एप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ expenditure incurred, of expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services. This is cost accounting my friends, this cost accounting. What is management accounting? हाँ बोलो, it is application and use of financial accounting, cost accounting, financial management in order to create, protect, preserve, maintain, correct, increase value for the stakeholders, value for the stakeholders. आगे आप लिख दो, ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। यस और नो? चलो यहां तक लिखे क्या बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डिफरेंस आप लिख रहे हो, इसमें यहां तक आए क्या कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? यस बच्चों, ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग इसका फोकस इज मेनली ऑन असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये ज्यादा डीप में नहीं जाता है, वो कॉस्ट असरटेन करने पे ज्यादा फोकस है। एंड मैनेजमेंट मतलब ये तो डिसीजन मेकिंग है बच्चों, इसका फोकस इज मेनली ऑन प्रोवाइडिंग इनपुट for managerial decision making में इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। करेक्ट है या नहीं? ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग ओके, इसमें पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स पे ज्यादा फोकस है, पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स पे। बट जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में राइट मेनली प्रोजेक्शंस ऑफ फिगर्स फॉर फ्यूचर होता है, प्रोजेक्शंस ऑफ फिगर्स फॉर फ्यूचर होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बच्चों, इट इज डेवलप्ड आउट ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ा वैसे वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ता गया। करेक्ट है? इट इज डेवलप्ड आउट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसे जैसे इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ता गया। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज डेवलप्ड आउट ऑफ नीड्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। जो आज का बिजनेस करने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो चुका है बच्चों, राइट, बिजनेस करने का तरीका कंप्लीटली जो चेंज हो चुका है, राइट, वो चेंज जो लाया है, राइट, वो अडॉप्ट करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, नंबर वाला एस्पेक्ट देखता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसीडर्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग है बच्चों। अच्छा, आपने लाइफ में जो डिसीजन लिए वो सिर्फ नंबर के बेसिस पे लिए क्या? नहीं, तुम्हारा इंस्टिंक्ट, तुम्हारा सोच, हैप्पीनेस और भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स है व्हिच इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस माय फ्रेंड्स। ओके, खुद का घर लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए? अगर सिर्फ नंबर्स के बेस पे जाओगे तो डिसीजन आएगा रेंट का घर ले लो, खत्म करो। बट फिर भी आपके घर पे कोई तो बोलेगा नहीं यार, अल्टीमेटली खुद का घर होता है, फीलिंग्स अलग रहते हैं। आप बताओ बच्चों, qualitative factors are there. Qualitative factors are also influencing the decisions. करेक्ट और नॉट। मशीनरी हायर करना चाहिए या खुद परचेस करना चाहिए? मशीनरी हायर करना चाहिए या परचेस करना चाहिए? हमेशा राइट, फाइनेंशियल फैक्टर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। इनफैक्ट फाइनेंशियल प्लस कुछ जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स रहते हैं वो भी आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों, वो भी आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि राइट आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ठीक से करो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन माय फ्रेंड्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप दिस इज क्लियर माय फ्रेंड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये डिफरेंस क्लियर है ऐसे मानता हूं मैं अभी तो। Cost accounting and management accounting. Is this clear to everyone, my friends? Yes, please बताओ, आप मुझे कमेंट में बता दो आपने लिखा क्या, फटा कमेंट में बताया करो यार। यस सर, यस सर, यस सर बताया करो, मुझे कैसे समझेगा, मैं तो अकेला बैठा हूं यहाँ पे। यस बच्चों बोलो 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 जल्दी। अपना एक 5-10 सेकंड का लैग भी रहता है, इसकी वजह से आपका कमेंट मुझ तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो ठीक है उतना तो कर सकते हैं हम लोग एडजस्ट। ओके अमीषा बोल रही है यस सर, अमीषा, चेतन, अभय एंड ऑल यस सर, यस सर, यस, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अभी ये इसमें भी एक्चुअली मैं अभी एट अ टाइम एक यूट्यूब चैनल के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग विनोद रेड्डी चैनल पे कर रहे हैं, कुछ लोग वी स्मार्ट चैनल पे कर रहे हैं, एनीवे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट मैं दोनों कमेंट पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मुझे, एनीवे डोंट वरी माय फ्रेंड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस हो गया, कॉस्ट प्राइस वैल्यू का डिफरेंस हो गया, देन कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस हो गया। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वापस बताओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ascertainment, cost estimation, assisting management in decision making, assisting management in decision making। और एक क्वेश्चन आता है कभी-कभी, वो है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बच्चों ये क्वेश्चन आया तो अब जनरली क्या रहता है रेगुलर बैच में ना बच्चों, रेगुलर बैच में ओके ये मैं 30-40 मिनट से एक्सप्लेन करता हूं। ओके आपने भी किया रहेगा, आपको कुछ याद है क्या इसमें से? नहीं है, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया, कभी आपने पॉइंट्स फॉर्मेट में रिवीजन किया ही नहीं। अच्छा रिवीजन किया तो भी कब तक, जब तक मैं करवा रहा था रेगुलर बैच में, या जो भी आपका रिस्पेक्टिव टीचर करवा रहा था, बाद में कभी पढ़े ही नहीं। इंपॉर्टेंट है ना बच्चों रिवीजन। तो स्कोप फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग में पॉइंट्स क्या क्या है, ओके स्कोप फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग में ओके क्या क्या स्कोप है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्टिंग, इसके अंदर ऑब्वियसली वापस कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे लिख ही सकता हूं मैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। देन कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कंपैरिजंस, कॉस्ट कंपैरिजंस, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, देन कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल Oblique reduction. So this is what is the scope for cost accounting, my friends. Cost accounting के अंदर क्या क्या cover होता है? Scope of cost accounting. इतने points आप याद रखो, उसके आगे आधा line का explanation भी लिखा तो बस है बच्चों। अगर ये exam में 3-4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो 3-2-4 मार्क के लिए आ सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आने वाला है क्या? Explain the scope for cost accounting in details. इन 5 पेजेस, ऐसा होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं है कोई। तो स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हो बच्चों, उसके आगे आधा लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ रहा है क्या आपको ये? ओके तो स्कोप फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड कॉस्ट कंट्रोल। अब रेगुलर बैच में क्या होता है, मैंने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बोला तो मुझे 10 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ता है व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। बट आपने अभी भले ही आप पास नहीं हुए हो, बट आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, जीएसटी पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, तो अब स्टैट्यूटरी का क्या मीनिंग है ये तो आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना भाई। बट रेगुलर बैच में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्यों रहता है शुरुआत में, समझता है क्या? क्योंकि शुरुआत में मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट बोलता है सर स्टैट्यूटरी मतलब क्या, सर कॉस्ट कंपैरिजन मतलब क्या, कॉस्ट रिपोर्ट मतलब क्या, तो वो टाइम भी कम कर दिया हमने बच्चों। तो 60 आवर्स में बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो देखो बच्चों अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ अपने बैच का, या हार्डली 1 आवर हुआ है, फिर भी हम लोग 3 डिफरेंसेस टैबुलर फॉर्म में देखे, 4-5 डेफिनेशंस कंप्लीट किया हमने। करेक्ट है या नहीं? मजा आ जाता है, समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है, ये कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको। ओके नेक्स्ट आपको याद आता रहेगा व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, याद है क्या? आप बताओ व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। इनफैक्ट ओके कॉस्ट सेंटर के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज कॉस्ट सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशन को बेटर राइट मैनेजमेंट के लिए हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम लोग कुछ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट करते हैं, राइट। दैट रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स कैन बी लाइक कॉस्ट सेंटर्स, देन रेवेन्यू सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, माय फ्रेंड्स। आप समझ रहे हैं क्या? कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर ऑफ 4 टाइप्स, कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। ओके, कॉस्ट सेंटर्स का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं एंड वी इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉस्ट सेंटर। फिर वो कॉस्ट सेंटर वेल्डिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, मशीनिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, असेंबली डिपार्टमेंट हो सकता है, आप समझ रहे हो ना। इट कैन बी एनी कॉस्ट सेंटर, वेल्डिंग डिपार्टमेंट, मशीनरी डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट, हीटिंग डिपार्टमेंट, कूलिंग डिपार्टमेंट, प्रेसिंग डिपार्टमेंट, पंचिंग डिपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है, अरे मशीनिंग डिपार्टमेंट, करेक्ट है। जो भी है वहां का कॉस्ट क्या है और क्या होना चाहिए, इसका कंपैरिजन करके वी डिटरमाइन दी परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉस्ट सेंटर। देन रेवेन्यू सेंटर में हम लोग एक्चुअल रेवेन्यू वर्सेस बजटेड रेवेन्यू चेक करते हैं, एक्चुअल रेवेन्यू वर्सेस बजटेड रेवेन्यू। तो एक पर्टिकुलर लेट से राइट रेवेन्यू सेंटर लाइक टिकट कलेक्शन सेंटर, समझ में आ रहा है आपको, ये जो भी कुछ है रिवेन्यू, जहां से आपको जहां पे पैसा आ रहा है, रिवेन्यू सेंटर में हमने क्या रिवेन्यू जनरेट किया और क्या रिवेन्यू जनरेट होना एक्सपेक्टेड था, दैट इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर। देन सॉरी रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर में क्या कंपेयर होता है, एक्चुअल प्रॉफिट वर्सेस बजटेड प्रॉफिट। ये तो बहुत सिंपल है यार, एक्चुअल में यहाँ से एक पर्टिकुलर सेंटर से क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था और क्या आया। इन्वेस्टमेंट में क्या कंपेयर होता रहेगा, आप बताओ मुझे, बताओ कमेंट में। इन्वेस्टमेंट सेंटर, हाँ बोलो। इन्वेस्टमेंट, कभी कभी ना बच्चों हम लोग बोलते हैं ये बिजनेस से 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हमें, आप लोग रहा है कि सर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 4 करोड़, बट 4 करोड़ का जहां जो बिजनेस मुझे प्रॉफिट दे रहा है ना बच्चों, वहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है। अब आपको लग रहा है नहीं सर फिर कोई मतलब नहीं, करेक्ट है, क्योंकि 200 करोड़ जहां पे इन्वेस्ट किए वहां पे 4 करोड़ का प्रॉफिट है, 2% प्रॉफिट आ रहा है, उससे अच्छा बैंक में पैसा डाल के आराम करते घर पे, करेक्ट। और तो क्या कंपेयर करते हैं हम लोग, एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस बजटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कोई आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स। मैं 1 मिनट में कमेंट पढ़ लेता हूं। सर एक्सप्लेनेशन ओन वर्ड्स में कुछ भी लिखा तो रिलेटेड टू लिखा तो चल सकता है क्या? यस बेटा, एक्सप्लेनेशन तुम्हें खुद के लैंग्वेज में ही लिखना है। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, ये पॉइंट्स लिखो, एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों कोई ना आईसीआई का मटेरियल रट्टा मार के याद नहीं कर सकता। अच्छा चलो, यहाँ पे छोटा थ्योरी है कॉस्टिंग में, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन ना आप इंस्टीट्यूट का वर्डिंग याद करोगे। आप मुझे बताओ लॉ में यार पॉसिबल है ये हर चीज, राइट, उनके लैंग्वेज में, ऑडिट में पॉसिबल है, EIS में, SM में, सारे थ्योरी पेपर्स में आप एज इट इज लैंग्वेज ला सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। खुद का अरे मैं 4 लेक्चर लूंगा तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट कैसे एक्सप्लेन किया है, उसके 4 बार सेंटेंसेस चेंज होते हैं ना मेरे भाई, करेक्ट। और तो एज इट इज सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन आना एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, तो डोंट वरी एट ऑल माय फ्रेंड्स। ओके, तो चलो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेंटर का परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होता है, एक्चुअल ROI वर्सेस बजटेड ROI, एक्चुअल ROI वर्सेस बजटेड ROI माय फ्रेंड्स। ओके, उसमें से अब हमें डिटेल में सीखना है व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट सेंटर। आप मैं जो भी लिख रहा हूँ बच्चों, आप लिख रहे हो क्या बताओ मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप भी लिख रहे हो क्या? ओके गुड। चलो कॉस्ट सेंटर तो क्या होता है, ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है वो देखते हैं। तो कॉस्ट सेंटर इज, ओके, इट इज अ लोकेशन, कॉमा पर्सन, कॉमा आइटम ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर विच कॉस्ट कैन बी असरटेन्ड, लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट कैन बी असरटेन्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल तो ये कॉस्ट सेंटर का डेफिनेशन है। इट इज अ लोकेशन। अच्छा, वेल्डिंग डिपार्टमेंट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट एक लोकेशन वाला कॉस्ट सेंटर है। अच्छा समझो एक्सपर्ट में हम लोग 5 टीचर्स है, लेटर से विनोद रेड्डी, सुशील भंडारी, प्रशांत सारडा, आप समझ रहे हैं नहीं, अमित तातेड़, राइट, विशाल भट्टर, विजय सारडा। अब हम लोग और एसोसिएशन को इसको बड़ा कर दिए। अब बताओ कैन आई से दीज आर द पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स। हमें जो हमारा कॉमन कॉस्ट है ये वेरियस कॉस्ट सेंटर्स पे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, हमारा जो कॉमन कॉस्ट है वो वेरियस कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। तो कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन, पर्सन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेन्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ओके, कॉस्ट सेंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ए पर्सनल कॉस्ट सेंटर, ए क्या है पर्सनल कॉस्ट सेंटर, लाइक let's say Vinod Reddy, Sushil Bhandari, right, Prashant Sarda, Jay Chawla, right, then Vishal Bhattar, Vijay Sarda, Darshan Khare, right, cost centers है ये, personal cost centers and impersonal cost centers. Impersonal cost center means like location, item of equipment, group of machines, correct, welding department, cutting department, molding department, pressing department, correct है, ये है impersonal cost centers, personal and impersonal cost center, okay. For manufacturing organizations, cost centers can be classified as production cost centers, production cost centers and service cost centers, for manufacturing organizations cost centers can be classified as production cost centers and service cost centers, my friends. Okay, and हम अब देखेंगे बच्चों what is the difference between production cost center and service cost center। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे tabular form में मैं difference लिखता हूँ production cost centers and service cost centers, देखो बच्चों, अब जो ये एकदम पहली बार सुन रहा है उसको मालूम नहीं है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर सर्विस कॉस्ट सेंटर का डिफरेंस क्या है। बट भले ही आपने पूरा अच्छे से नहीं किया है, भले ही आपने 100% ध्यान नहीं दिया था, बट आप मुझे बताओ ओवरहेड्स ये चैप्टर में आपको याद रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आर रेट, मशीन आर रेट, उसमें पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर आता है कि नहीं, स्टेप लैडर मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एबीसीडी, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स XYZ, ऐसा रहता है या नहीं रहता है, राइट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर में देयर इज अ डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, ओके, these production cost centers transfer, yeah, convert, production cost centers convert input into output, raw material input into output through various processes, अलग अलग प्रोसेसेस रहते हैं जिसके थ्रू रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वेल्डिंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, मोल्डिंग डिपार्टमेंट, प्रेसिंग डिपार्टमेंट, ये सब क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जा रहा है। सर्विस कॉस्ट सेंटर्स क्या करते फिर, अच्छा परचेज डिपार्टमेंट, कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज स्टोरेज डिपार्टमेंट, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है क्या, कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है क्या, कुछ कटिंग, हीटिंग, ग्राइंडिंग, प्रेसिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, करेक्ट है। तो ये डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं फिर, यूजलेस है क्या। मशीन, स्टीम डिपार्टमेंट, जनरेटर रूम डिपार्टमेंट, जिम, कंपनी में वो एम्प्लॉय के लिए जिम है, मेडिटेशन रूम है, वॉशरूम्स है, पावर जनरेशन रूम है, स्टीम डिपार्टमेंट है, ये सब यूजलेस है क्या फिर। तो ये क्या कर रहे हैं बताओ कमेंट में मुझे, ये कर क्या रहे एग्जैक्टली, यस बच्चों सर्विस कॉस्ट। सो दीज आर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, दीज आर ancillary units, and they facilitate प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को वो फैसिलिटेट करते हैं बच्चों, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को वो फैसिलिटेट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? तो ये है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। अरे अरे बाप रे, यहाँ पे ये सौरभ बोल रहा है कि हाय अभिषेक इफ यू आर वाचिंग। बाप रे, अभिषेक का व्हाट्सएप नंबर नहीं है क्या भाई तुम्हारे पास? या उसको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, राइट, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, लिंक्डइन पे कांटेक्ट करो, राइट, उसके घर जाके उसको मिलो। अब तुमको मेरा चैनल ही मिल गया क्या भाई? यहाँ पे कॉस्टिंग के लाइव लेक्चर में तुम बोल रहे हो हाय अभिषेक इफ यू आर वॉचिंग। तो मेरे भाई सौरभ प्लीज प्लीज थोड़ा कंट्रोल करो मेरे भाई। एक बार तो क्या हुआ तो बता दूं क्या आपको, मैं ऐसे ही एक बार YouTube लाइव लेक्चर ले रहा था एंड जस्ट आपको 2 मिनट में रिफ्रेश करने के लिए बताता हूं, ओके। YouTube लाइव लेक्चर ले रहा था एंड एक स्टूडेंट ने कमेंट क्या कर रहा है, हाय कुछ तो ऐश्वर्या या कुछ लड़की का नाम लिया और बोल रहा है हाय ऐश्वर्या प्लीज कॉल मी इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर। तुमने मुझे ब्लॉक किया है, प्लीज अनब्लॉक करो, हर जगह पे इंस्टाग्राम पे जहां जहां ब्लॉक किया है प्लीज अनब्लॉक करो एंड प्लीज मैं मुझे मिलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड तुमसे मुझे मिलना है, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे से जो भी गलती हुआ है। फिर मैंने उसको पूछा क्यों भाई इधर क्यों आए? वो बोल रहा है कि सर वो आपका हर लेक्चर देखती है वो लड़की, मुझे पता है, तो यहाँ पे वो रहेगी इसलिए मैंने सोचा कि अपने दिल की जो भी कुछ भावनाएं हैं वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो प्लीज मेरे भाई, राइट, मेरा चैनल अभी फिलहाल तो कॉस्टिंग और मैथ्स के लिए रहने दो, ठीक है, अपना प्यार मोहब्बत के लिए दूसरा है और एक चैनल बना लेना बच्चों, या मैं बना लेता हूँ कुछ दिनों के बाद, प्लीज बच्चों, रिक्वेस्ट है मेरा सबको। एनीवे, चलो, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। Production cost centers convert input into output, whereas service cost centers facilitate the production cost centers. Then production cost center, सुनो ध्यान से बच्चों, production cost center has the sellable output. इसके पास एक सेल करने लायक कुछ आउटपुट होता है बच्चों, सेल करने लायक आउटपुट होता है, whereas service cost center has no सेलेबल आउटपुट। सर्विस कॉस्ट सेंटर के पास कोई सेलेबल आउटपुट नहीं है, सर्विस कॉस्ट सेंटर के पास कोई सेलेबल आउटपुट नहीं है, बिकॉज दे फैसिलिटेट द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, दे फैसिलिटेट। बट प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का जो आउटपुट है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी आउटपुट है जो सेल होता है, बट सर्विस कॉस्ट सेंटर का जो आउटपुट है वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ही ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल स्टीम बनाए, हम स्टीम बेचते हैं क्या? जनरेटर रूम में पावर बनाया, पावर बेचते क्या? नहीं, पावर इज यूज बाय प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, स्टीम इज यूज बाय प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर का, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का कुछ कॉस्ट डायरेक्ट होता है, कुछ कॉस्ट इनडायरेक्ट होता है, whereas, अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, all cost of service cost centers are indirect cost में। सर्विस कॉस्ट सेंटर का कोई भी कॉस्ट ओवरहेड ही होता है कंपनी के लिए, ओवरहेड, क्योंकि सर्विस कॉस्ट सेंटर के पास कोई सेलेबल आउटपुट ही नहीं है, तो जो कॉस्ट प्रोडक्ट से लिंक ही नहीं हो सकता उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोल ही नहीं सकते, तो ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट माय फ्रेंड्स, आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, राइट अ नोट, तो आप ये पूरा लिखोगे इंक्लूडिंग द डिफरेंस, तो कॉस्ट सेंटर पहले तो आप लिखोगे कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर व्हिच कॉस्ट मे बी असर्टेन्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। जनरली कॉस्ट सेंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट सेंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर का डिफरेंस आपके सामने है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हैज द सेलेबल आउटपुट, सर्विस कॉस्ट सेंटर हैज नो सेलेबल आउटपुट। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट, whereas सर्विस कॉस्ट सेंटर्स facilitate the production cost centers, those are the ancillary units. Cost centers, production cost center may have direct as well as indirect costs, whereas all costs of service cost centers are indirect costs. And examples समझो, इसके examples let's say welding department, cutting department, molding department. Molding department, let's say, समझ में आ रहा है आपको ये, कटिंग वेल्ड, हीटिंग डिपार्टमेंट, प्रेसिंग डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा. दीज आर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स. अच्छा, सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या है? लेट्स से स्टीम रूम, स्टीम रूम, लेट्स से पावर जनरेशन, पावर जनरेशन रूम या पावर जनरेशन डिपार्टमेंट. देन लेट्स से सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज स्टोरेज डिपार्टमेंट, जहां पे जो भी तुम्हारा रॉ मटेरियल है वो वहां पे स्टोर होता है. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स है. दीज आर एंसिलरी यूनिट्स एंड दे जस्ट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, दे जस्ट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स. माय फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस माय फ्रेंड्स. समझा सबको? Yes or no? तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स का डिफरेंस हमने लिख दिया बच्चों. यहां तक क्लैरिटी है या नहीं है? बोलो. तो चलो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, फर्स्ट का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. तो प्रेफरेबली ऑन अ न्यू पेज यू राइट डाउन. अब देखो बच्चों, मैं अभी कुछ दिनों पहले जो मई 22 बच्चों के लिए रेगुलर बैच चालू किया था बच्चों, यहां तक आने के लिए मुझे 3-4 लेक्चर लग गए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तक. अब आपको लगता होगा कि सर मतलब आपको, आप हमें कुछ बहुत कट शॉर्ट करके पढ़ा रहे हो. कुछ भी नहीं कट शॉर्ट किया भाई, सब कुछ लिख के दिया. समझ में आ रहा है क्या? इनफैक्ट लिख के दिया मैंने, आपको सब बताया भी नहीं. मैंने क्या बोला था? आपका मैच्योरिटी चाहिए मुझे, आपका डेडिकेशन चाहिए एंड मेरे 60 आवर्स इन्वेस्टेड तुम में, तुम्हारे 60 आवर्स इन्वेस्टेड इन वाचिंग दिस लेक्चर. हमारे 60 प्लस मार्क्स तैयार है बच्चों. समझा क्या? इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया हो. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. तो कॉस्ट के क्या क्या टाइप है आप बताओ, कमेंट में बताओ मुझे. कॉस्ट के क्या क्या टाइप होते हैं बोलो. यस, कॉस्ट के क्या क्या टाइप होते हैं बोलो आप मुझे. मैं वेट करता हूँ आप तक, मेरी आवाज आने तक, आपका कमेंट मुझ तक आने तक मैं वेट करता हूँ. हाँ बोलो, कॉस्ट के क्या क्या टाइप होते हैं? यस बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. तो कॉस्ट में होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट. अब आप लोग सर पागल हो गए हो क्या? कितने कॉस्ट के टाइप बता रहे हो? ऐसे याद रखेंगे कि हम लोग 25-26 टाइप? यस, इतना याद रखेंगे क्या फिर? तो देखो बच्चों, ऐसे कोई 25-26 टाइप अपने को याद नहीं करना है. हमने 9 ग्राउंड्स है, 1 2 3 4 और ये 5. ऑन 9 ग्राउंड्स वी हैव क्लासिफाइड द कॉस्ट. कितने ग्राउंड्स पे? ऑन 9 ग्राउंड्स वी हैव क्लासिफाइड द कॉस्ट. तो अभी आप मेरे साथ में लिख लेना बच्चों, मेरे साथ साथ में लिखना. अब ये रिवीजन बैच है. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन 9 ग्राउंड्स, ऑन 9 ग्राउंड्स कॉस्ट इज क्लासिफाइड माय फ्रेंड्स. तो वो 9 ग्राउंड्स क्या क्या है वो देखते हैं. तो कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट. तो पेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब आपको थोड़ा बहुत याद आता रहेगा, हाँ सर रेगुलर बैच में हम ऐसे पढ़े थे सब कुछ. जो भी आप देखो बच्चों, हमारा फोकस भी पास पे नहीं रहना चाहिए, हमारा फोकस भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे होना चाहिए. तुम्हारा फोकस यही होना चाहिए, चलो सर अभी सिखा रहे, सब कुछ वापस आने वाला है एंड फ्यूचर में हम पास होने वाले, बस पास की मत सोचो अभी. समझ रहे? तो कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट. देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ओके, कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, semi variable cost, fixed cost, variable cost and semi variable cost. So this is classification of cost on the basis of nature. Then cost is classified on the basis of elements of cost. Elements of cost के base पे classification है material cost, material, labor and expenses. Material, labor, overhead मत बोलो बच्चों, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उसमें से जो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो ओवरहेड होता है। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ये तो तीन ही टाइप हो गए अभी तक, तीन ही ग्राउंड्स हो गए क्लासिफिकेशन के। देन कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, cost is classified on the basis of controllability। तो on the basis of controllability cost के दो टाइप है, और वो दो टाइप है controllable cost and uncontrollable, that is non-controllable cost, controllable and uncontrollable, that is non-controllable cost। Then cost is classified on the basis of normality, cost is classified on the basis of normality। तो on the basis of normality, on the basis of normality, मैं हर जगह पे ऐसे बेस्ड ऐसे लिख रहा हूं, on the basis of normality cost के दो टाइप है, that is normal cost and abnormal cost, normal cost and abnormal cost। क्या होता है ये normal cost and abnormal cost? Cost which is incurred in routine course of operation in the normal course of doing is the normal cost, cost incurred over and above normal cost is the abnormal cost, correct है। Then cost is classified on the basis of time period, cost is classified on the basis of time period। तो on the basis of time period cost के तीन टाइप है, और वो तीन टाइप है बच्चों, historical cost, historical cost, current cost and budgeted cost, historical cost, current cost and budgeted cost। बट अगर आपको अभी लगता होगा कि सर ये पूरा थियरी आप पढ़ाने वाले हो क्या, इस बैच में प्रैक्टिकल लेने ही नहीं वाले हो क्या, मेरे भाई फर्स्ट लेक्चर है, रखो थोड़ा पेशेंस, सब कुछ सिखाने वाला हूं मैं, करेक्ट है। फर्स्ट चैप्टर ही थियरी है, इसलिए थियरी लग रहा है, नो डाउट। मैं इतना ये पूरा बुक 113 प्रिंटेड क्वेश्चन है इसमें, राइट, ये पूरा का पूरा जैसे हम रेगुलर बैच में आराम से सॉल्व करते वैसे करके लेने वाला हूँ, प्लस मैं कुछ क्वेश्चन डिक्टेट करके आपको सॉल्व करके लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने 130 नंबर ऑफ प्रॉब्लम बोला आपको, करेक्ट है। देन तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम पीरियड बेस्ड। देन कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ कॉस्ट, on the basis of association of the cost। तो on the basis of association cost के दो टाइप है, on the basis of association cost के दो टाइप है, वो है product cost and period cost, cost के दो टाइप है, product cost and period cost। then cost का classification on the basis of, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, राइट, कौन से grounds हो गए अभी तक बताओ, on the basis of payment हो गया, on the basis of nature, on the basis of elements, on the basis of controllability, on the basis of normality, on the basis of time period। Then cost can be classified on the basis of decision making, cost is classified on the basis of decision making, and on the basis of decision making cost के जो type है वो है बच्चों relevant cost and irrelevant cost, relevant cost and irrelevant cost। तो relevant cost होता है cost which is important for decision making is the relevant cost, and the cost which is not important for decision making is known as an irrelevant cost। and और एक बचा है वो है on the basis of functions of cost, और तो on the basis of function, तो function based classification, function based classification है, function based classification में आता है pre-production cost, conversion cost, then research and development cost, then production cost, selling cost, distribution cost, marketing cost। so these are marketing लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। so these are the types of cost on the basis of function। या इसमें और भी एक आता है administration, कौन सा, administration cost। so this is the classification of cost my friends on the basis of function। yeah, on 9 grounds we have classified the cost, you can say on 9 grounds we have classified the cost my friends, on 9 grounds we have classified the cost। चलो हो गया क्या ये बताओ। so this is the classification of cost on 9 grounds। ये याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत सारे थियरी क्वेश्चन इसमें से क्रिएट हो जाते हैं, करेक्ट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, नेचर, एलिमेंट्स, नॉर्मलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, फंक्शन, टाइम पीरियड, एसोसिएशन, डिसीजन मेकिंग। सो ऑन 9 ग्राउंड्स cost has been classified, my friends. On 9 grounds, cost has been classified. यहाँ तक समझा क्या सबको? प्लीज मुझे बता दो बच्चों. एंड ये आपने लिखा क्या? अगर लिखा है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज बता दो कि सर हमने ये लिख दिया है करके. यस बच्चों, लिखा क्या आप मुझे बता दो. अगर लिखा है तो आप मुझे कमेंट में बता दो यस सर लिख दिया बोल के. यस बच्चों, दिस इज ओवर. ओके, यस सर डन सर लिख लिया सर. ओके ओके, चलो एक एक काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं इस पे थोड़ा, वो जितना पॉसिबल है उतना डिस्कशन करते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ पेमेंट माय फ्रेंड्स? एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट क्या था? एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट वेयर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट. These were the types of cost on the basis of payment. These were the types of cost on the basis of payment, my friends. Okay? तो आप बताओ explicit cost and implicit cost में क्या difference है? आप बता सकते हो क्या? Explicit cost and implicit cost में क्या difference है? आप बता सकते हो क्या? तो चलो एक काम करो, साथ साथ में लिख के भी ले लो फटाफट. Explicit cost involves पेमेंट. एंड मैं वापस एक बार बता दूं बच्चों, ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि ये हम लोग लिखना पड़ेगा. ये सारे प्रॉब्लम जो हमारे पास है बुकलेट, कल के लेक्चर के पहले इसका प्रिंट आउट लेके आना है आपको. प्रिंट आउट के साथ में सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि उस पर आप अंडरलाइन कर सकते हो, उस पर कुछ पॉइंट लिख सकते हो. इसलिए कल तक ये प्रिंट आउट लेके आओगे आप. विनोद रेड्डी चैनल से ये प्रिंट आउट ये डाउनलोड करो, या वी स्मार्ट जो अभी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है उसमें है, आप उसके थ्रू करो. ओके, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट. इम्प्लिसिट कॉस्ट does not involve payment. Implicit cost does not involve payment. Okay, explicit cost is otherwise known as, explicit cost is otherwise known as accounting, out of pocket cost. Accounting, out of pocket cost. Okay, whereas implicit cost is otherwise known as, implicit cost is otherwise known as opportunity cost, notional cost, hidden cost, imputed cost. Imputed cost. समझ में आ रहा है क्या आपको? ये सीधी सी बात है. अब मुझे बताओ, अगर ये प्रीमाइसेस में रेंट पे देता तो कितना रेंट मुझे मिलता? इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. अगर मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाने के बजाय कहीं पे नौकरी करता तो मुझे कितना पैसा कमाता? इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रनिंग अ कोचिंग सेंटर. करेक्ट और नॉट? तो इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच डजंट इन्वॉल्व पेमेंट ऑब्वियसली. करेक्ट और नॉट? देन एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ accounts. Explicit cost is recorded in books of accounts, and implicit cost is not recorded in books of accounts, not recorded in books of accounts. Implicit cost is not recorded in books of accounts, my friends. Are you understanding this? Yes or no? Then explicit cost, explicit cost is used mainly for accounting purpose, whereas implicit cost is mainly used for decision making. Implicit cost is mainly used for decision making. अरे यार, opportunity cost. हमें देखो, अगर मैं CA नहीं होता और इंजीनियर होता तो मैं कितने पैसा कमाता? Right? I cannot bring that cost in books of accounts, but I can use that for decision making. Correct or not? Then explicit cost can be objectively determined. Explicit cost can be objectively determined as it involves payment, salary paid, electricity bill paid, telephone expenditure paid, correct or not? Paid. It is explicit cost, whereas implicit cost cannot be objectively determined. Cannot be objectively determined as it involves subjective estimates, as it involves subjective estimates. इसमें किसके अंदर कुछ estimates होते हैं, as it involves subjective estimates. Estimates है बच्चों इसमें, जैसे कि अगर समझो अगर मैं ये premises rent पे देता तो कितना rent मिलता, ये तो मेरा estimate है ना मेरे भाई. आप लोग कहें नहीं सर किसी को पूछो कितना rent देता, ऐसे थोड़ी होता है भाई. अरे rent कोई कितना भी बता देगा, करेक्ट है, हमारे subjective estimates है ये, करेक्ट है. अच्छा अगर समझो मेरा भाई यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बदले में वो कहीं और नौकरी करता तो उसको कितना पैसा कमाता इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट इट इनवॉल्व्स सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स माय फ्रेंड्स, करेक्ट है. ओके, एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर लेट्स से सैलरी पेड, टेलीफोन बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन क्या कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है डेप्रिसिएशन? बताओ बच्चों, लेट्स से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, सैलरी फॉरगॉन, रेंट फॉरगॉन, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. बट आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का. डेप्रीसिएशन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट? डेप्रीसिएशन, यस बच्चों, यस मैं वेट करता हूं आपके कमेंट का. डेप्रिसिएशन इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट? यस, चेतन जोरावर का आंसर है एक्सप्लिसिट. दीपाली एक्सप्लिसिट, ओके. सो डेप्रिसिएशन माय फ्रेंड्स इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अब कुछ लोगों को लगता है कि सर डेप्रिसिएशन में पेमेंट कहाँ होता है? मेरे भाई अगर समझो मैंने ये चीज असेट है 2 लाख में बाय किया, जिसका यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 40,000 डेबिट किया मैंने, या कोई दूसरे मेथड से अलग डिमांड किया, बट 2 लाख का एक वन टाइम पेमेंट तो इन्वॉल्व था ना बच्चों? 2 लाख का एक वन टाइम पेमेंट तो इसमें इन्वॉल्व था या नहीं था? ऑब्वियसली 2 लाख का वन टाइम पेमेंट इसमें इन्वॉल्व था. दो मिनट, कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पे. तो 2 लाख रुपए का वन टाइम पेमेंट इसमें इन्वॉल्व था बच्चों, करेक्ट है. तो इट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एंड अदर थिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इट इन्वॉल्व्स पेमेंट माय फ्रेंड्स. जहां पे पेमेंट इन्वॉल्व है, इट हैज टू बी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक मिनट, यस बच्चों यहां तक समझा क्या? बताओ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस लिख के ले लो बच्चों प्लीज. एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस. हैव यू रिटन माय फ्रेंड्स? सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. Hope this is clear to everyone, my friends. इतने ही पॉइंट आपको उसमें कवर करना है और कुछ भी नहीं लिखना है बच्चों. अगर ये एग्जाम में समझो 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आया, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट, बस इतना ही आपको कवर करवाना है इसमें. समझा बच्चों? ओके चलो, अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. Tell me, what are the types of cost on the basis of nature? तो on the basis of nature cost के 3 टाइप है, fixed cost, variable cost and semi variable cost. तो बोलो बच्चों fixed cost मतलब क्या होता है? Fixed cost यस बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे आवाज का, थोड़ा बाजू के ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, काइंडली एडजस्ट फॉर सम टाइम। तो नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन था, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट माय फ्रेंड्स? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट? The cost which doesn't change, the cost which doesn't change with change in volume of production, with change in volume of production, the cost which doesn't change with a change in volume of production, और volume of production की जगह हम बोल सकते हैं level of activity, क्या बोल सकते हैं? लेवल ऑफ एक्टिविटी। द कॉस्ट विच डजंट चेंज विद अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड सबको पता है कि तुम कितने भी यूनिट्स बनाओ अगर वो कॉस्ट सेम ही रहता है तो इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, जनरली इट इज अ पीरियड कॉस्ट, जनरली इट इज अ पीरियड कॉस्ट। मतलब क्या होता है, जैसे कि लेट्स से फिक्स कॉस्ट फॉर द क्वार्टर 1 लाख है, 1 लाख है तो फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर 1 लाख इंटू 4 होगा। फिक्स लैक्स फॉर द मंथ अगर 1 लाख है तो फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर 1 लाख इंटू 12 होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब इट चेंजेस विद अ चेंज इन टाइम, नॉट विद अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इट चेंजेस बट विद अ चेंज इन टाइम पीरियड। फिक्स कॉस्ट ऑफ 1 मंथ एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 मंथ ये नहीं सेम रहने वाला है। आप ये मत बोलो कि सर 1 महीने का क्या और 2 महीने का क्या, ये तो फिक्स्ड है, ऐसा नहीं भाई। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 1 मंथ एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 मंथ्स में फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 मंथ्स डबल ही रहता है। इट इज अटैच्ड टू द पीरियड, नॉट विद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नॉट विद द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अगर समझो मुझे कहीं क्वेश्चन आया है फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ 1 लाख है तो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर आई टेक 1 लाख इंटू 12 अनलेस एंड अंटिल एनीथिंग कॉन्ट्ररी इज मेंशन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर मुझे कोई बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट फॉर द क्वार्टर 10 lakhs है तो आई टेक फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एज 10 lakhs into 4 माय फ्रेंड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट इज अटैच्ड टू द पीरियड एंड नॉट टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नॉट टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। What is variable cost then? What is variable cost? Okay, it is the cost. It is the cost which increases or decreases with volume of production, with volume of production in same proportion, with increase or decrease in in volume of production in same proportion। ये बहुत important wording है। Okay, सुनो ध्यान से बच्चों। It is a cost which increases or decreases with volume of production in the same proportion। नीचे लिखो variable cost per unit remains same irrespective of volume of production। variable cost per unit remains same irrespective of volume of production। अच्छा समझो, मैंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए एंड लेट अस से कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था या मेंटेनेंस कॉस्ट था यहाँ पे 50,000 एंड अगर मैंने मान लो 15,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो इट इज 75,000। तो ये चेंज तो हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। अच्छा चेंज हो रहा है मतलब वेरिएबल बोलने का ऐसा नहीं। अब मुझे बताओ 50,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना आता है? 5 रुपीज पर यूनिट। 75,000 डिवाइड बाय 15,000 कितना आता है? 5 रुपीज पर यूनिट। अब मैं बोल सकता हूं कि इट इज इंक्रीजिंग इन द सेम प्रपोर्शन, इट इज इंक्रीजिंग इन द सेम प्रपोर्शन, ऐसा मैं बोल सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसलिए इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। बट आप बताओ बच्चों, एक मिनट, अगर समझो ये ऐसा होता 10,000 यूनिट्स के लिए इट इज 50,000, इट इज 50,000 एंड 15,000 यूनिट्स के लिए लेट अस से दिस इज 60,000। अब मुझे सिर्फ यस और नो में जवाब दो, वेदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज चेंजिंग, इज इट इंक्रीजिंग, यस और नो। इज इट इंक्रीजिंग? यस इट इज इंक्रीजिंग, बट इट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप लोग कैसे सेमी वेरिएबल? आप देखो 50,000 डिवाइड बाय 10,000 ₹5 पर यूनिट, 60,000 डिवाइड बाय 50,000 इट इज नॉट ₹5 पर यूनिट। मतलब पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है। एंड अगर ये पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ चेंज हो रहा है वो वेरिएबल नहीं होता है, जो चेंज सेम प्रपोर्शन में होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो सेम प्रपोर्शन में चेंज होता है वो वेरिएबल कॉस्ट माय फ्रेंड्स। तो सुनो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल कभी चेंज नहीं होता है, तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ या कम करो। एंड वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कभी चेंज नहीं होता है, तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है फिर बोलो? इफ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स्ड, इफ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड पोर्शन इज वेरिएबल, and portion is variable, if portion of the cost is fixed and portion is variable, then cost is said to be, cost is said to be semi variable cost. If portion of the cost is fixed and portion is variable, cost is said to be a semi variable cost. Portion is fixed and portion is variable, cost is said to be a semi variable cost. I hope you are getting my friends. Yes or no? कुछ गया दिमाग में? Fixed cost, variable cost and semi variable cost. Fixed cost, variable cost and semi variable cost. कुछ गया है दिमाग में पक्का? ओके एंड आप देखो बच्चों, ये शायद आपको पता रहेगा, जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर समझो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, 2 मिनट मुझे दो यहाँ पे, आप लिख के ले सकते हो बाद में। ओके तो इसका बताओ भी फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा एंड वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो हमें सीखना है। ओके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड चेंज हो रहे। ओके इसको मैं वापस दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, वो है फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल and let's say this is per unit, variable cost का total and per unit, variable cost का total and per unit। तो आप बताओ बच्चों, जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट का टोटल में कोई चेंज आने ही नहीं वाला है। there is no change in total fixed cost। बट आप बताओ, अगर मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा बच्चों तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, एंड कम यूनिट बनाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा रहेगा। करेक्ट है या नहीं? एंड आप बताओ बच्चों, एज फार एज वेरिएबल कॉस्ट इज कंसर्न्ड, कैन आई से तुम 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, व्हाटएवर, पर यूनिट उतना ही रहेगा। जैसे कि 1 यूनिट बनाया 5 रुपए कॉस्ट है, 2 यूनिट 10 रुपए, 3 यूनिट 15 रुपए, 4 यूनिट 20 रुपए, मतलब वो पर यूनिट तो इतना ही है ना बच्चों। Yes or no? So that's a variable cost. But जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है बच्चों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा एंड प्रोडक्शन कम रहेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम ही रहेगा। यहां तक समझा क्या मुझे बताओ बच्चों? एंड इसके साथ साथ में ये सेंटेंस समझता है क्या बताओ अभी? What changes with the change in volume of production? बोलो, what changes with the change in volume of production? तो आप बोलोगे सर राइट, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगा एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, बट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो कम ही होगा एंड क्या चेंज होने ही नहीं वाला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने ही नहीं वाला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होने ही नहीं वाला है, तुम कितने भी यूनिट्स बनाओ बच्चों। सो दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मैंने एक्सप्लेन किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहां तक समझा है क्या बच्चों? फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, समझा क्या? यस और नो? एंड अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल भी पार्ट हमें देखना पड़ेगा उसका, वो है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। क्या क्वेश्चन? सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स माय फ्रेंड्स। तो देयर लिखो, ये आपने लिखा क्या? टेबल कॉपी किया बच्चों आप लोगों ने? एक बार मुझे कमेंट में बता दो प्लीज, एक टेबल कॉपी किया क्या? बता दो बच्चों, कमेंट में बता दो प्लीज, ये टेबल आपने कॉपी किया क्या? यस बच्चों, यस टेबल कॉपी किया क्या? ओके देयर आर 5 मेथड्स ओके यूज्ड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देयर आर 5 मेथड्स यूज्ड इन सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू इट्स फिक्स्ड comma variable portion. There are 5 methods used for segregation of semi-variable cost into its fixed and variable portion. There are 5 methods for segregation, my friends. और वो segregation के 5 method है. पहला graphical method. पहला है graphical method. Second है simultaneous equations method. Simultaneous equations method या उसको आप method of least squares ऐसा भी बोल सकते हो. साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स ऐसा बोल सकते हो बच्चों. साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड. कौन सा मेथड है? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड यूज्ड फॉर सेग्रीगेशन. Level of activity method. And next is high point and low point method. High point and low point method used for segregation. High point and low point method used for segregation, my friends. And last is trial and error method. Trial and error method, or you can say management judgment method. मैनेजमेंट जजमेंट मेथड. तो ये कब यूज होता है? व्हेन ऑल अदर मेथड्स फेल टू सेग्रीगेट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू इट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन. कोई मेथड यूज ही नहीं हो रहा है वहां पे. इन दैट केस द मैनेजमेंट कैन यूज देयर ओन जजमेंट. मैनेजमेंट कैन यूज देयर ओन judgment in order to segregate the cost. वहाँ पे you can say management is using trial and error method or management judgment method. So my friends, these are 5 methods used for segregation of semi-variable cost into its fixed and variable portion. 5 methods used for segregation. I hope you are understanding this. Yes or no? 5 methods used for segregation of cost into fixed and variable portion. लिखे आपने मेथड के नाम बच्चों? यस, नॉट कॉपीड. कोई बोला नॉट कॉपीड बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग. यस बेटा, वेरी गुड. अच्छे से समझ के आपने को लिखना है. 5 मेथड्स यूज्ड फॉर सेग्रीगेशन. ओके, इसमें से ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड के प्रॉब्लम्स हम कल ही सॉल्व करेंगे. कल मतलब कल के लेक्चर में ही हम लोग ये तीनों मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अब बताओ, ग्राफिकल मेथड की प्रॉब्लम नहीं होता है एग्जाम में. आपको कोई ग्राफ पेपर नहीं देने वाला है, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सेग्रीगेट करते हैं इसका अगर आपको थियरी लिख के देना है तो मैं वो लिख के दे सकता हूं आपको. सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बाय ग्राफिकल मेथड. तो लिखो segregation of semi variable cost, segregation of semi variable cost by graphical method. graphical method से कैसे segregate होता है इसके मैं steps आपको लिख के दे सकता हूं बच्चों. और वो steps क्या है? 1, okay, take वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. आप प्लीज बच्चों मेरे साथ लिखो. लिखते लिखते ही समझ में आ जाएगा. आपको लग रहा है इससे पहले एक्सप्लेन करो और बाद में लिखो. आपको लिखते लिखते ही समझ में आ जाएगा बच्चों. ये टेक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड टेक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे कॉस्ट लेने का, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस लेने का. समझ रहा है आपको? ये एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक्स एक्सिस पे जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए यहां पे ड्रॉ करता हूं. एक्स एक्सिस पे है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वाई एक्सिस पे है कॉस्ट का अमाउंट. उसके बाद में आपको कुछ डेटा दिया रहेगा कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, 20,000, 30,000, 40,000. तो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो ये कॉस्ट है, 20,000 के लिए तो ये कॉस्ट है, 30,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो ये कॉस्ट है, 40,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो ये कॉस्ट है, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो ये कॉस्ट है. ऐसा कुछ डेटा रहेगा आपके पास. ओके, देन प्लॉट वेरियस ऑब्जर्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर. वेरियस ऑब्जर्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर, तो ऑब्जर्वेशंस प्लॉट कर दिए. एंड मान लो ये ऑब्जर्वेशंस ऐसे आ गए. अच्छा बताओ बच्चों, अगर ये सारे पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन जा सकता है तो बहुत अच्छा है, यू ड्रॉ दैट स्ट्रेट लाइन। बट अब बताओ, मैंने जिस तरह से 5 पॉइंट दिए ऐसा भी आ सकता है ना एक्चुअल डेटा, इसलिए हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते। क्या बोलते? ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन, ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन, करेक्ट और नॉट? ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन अलोंग द प्लॉटेड पॉइंट्स, अलोंग द प्लॉटेड पॉइंट मतलब वो प्लॉटेड पॉइंट से बीचों बीच में से जाने वाला लाइन अप्रोक्सीमेटली आप ड्रॉ कर देना। तो दिस कैन बी अ बेस्ट फिट लाइन माय फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है कि आपको ये जो मेजॉरिटी पॉइंट्स में से जा रहा है एंड बाकी पॉइंट भी इसके आजू बाजू में ही रहना चाहिए, समझो अगला पॉइंट यहाँ पे है तो बाकी पॉइंट भी इसके आजू बाजू में है, तो दिस इज द बेस्ट फिट लाइन। अच्छा, ये कैन दिस बेस्ट फिट लाइन बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट? यस, ये हो सकता है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर भी अलग अलग रह सकता है। फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? देन ओके, एक्सटेंड बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन ओके towards y axis, extend best fit line towards y axis, towards बोलो बच्चों y axis, y axis तक ये best fit line डाल दो and the point where best fit line cuts y axis, the point where best fit line cuts y axis, so can I say this is the total cost when zero is the production my friends? This is the total cost when zero is the production my friend. Zero production पे वो cost है, इसका मतलब ही वो fixed cost है, correct or not? And it represents यहाँ पे जो भी कॉस्ट आ रहा है, समझो यहाँ पे 5 लाख है तो वो 5 लाख तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है। इट रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड कॉस्ट माय फ्रेंड्स, इट रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। ये फिक्स्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है एंड देन कोई भी एक लेवल सेलेक्ट करो ओके, बाय डिडक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट from total cost you can arrive at variable cost, मतलब एक corresponding right number of unit produced का variable cost क्या है वो हम judgment ले सकते हैं and फिर उसके बाद में variable cost per unit क्या है उसका भी judgment हम ले सकते हैं बच्चों। So this is the segregation of semi variable cost by graphical method बच्चों। तो ये लिख के ले लो ओके, साथ साथ में आपको बाजू में ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो भी कर देना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बच्चों थियरी क्वेश्चन ही है ये, तो मैं आज के लेक्चर में जितना मेरे से हो सकता था उतना थियरी एक्सप्लेन किया एंड डेफिनेटली आपको अंदाज लगा रहेगा कि ये 25 लेक्चर्स तक हम बहुत अच्छे से ये सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। अगर या आज जो हमने सीखा है ना बच्चों, ये भी रेगुलर बैच में 5-6 लेक्चर लगते हैं उसको ओके बट मैंने आपको बोला था कि अगर आपका मैच्योरिटी है प्लस अगर आपका अटेंशन है यहाँ पे कि हम 60 आवर्स अच्छे से करने वाले प्लस आपका ट्रस्ट है अगर टीचर में, तो डेफिनेटली वी ऑल आर गोइंग टू रॉक माय फ्रेंड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द सेग्रीगेशन बाय ग्राफिकल मेथड, सेग्रीगेशन बाय ग्राफिकल मेथड माय फ्रेंड। देन सेग्रीगेशन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। आज मैं आपको और एक 5-7 मिनट कंटिन्यू करूंगा, सेग्रीगेशन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड करवाऊंगा एंड उसके बाद में कल हम उस पे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ये सेग्रीगेशन जो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड है वो फॉर्मूला कैसे डिराइव किया वो भी मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि उसका प्रूफ इज इन द साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड माय फ्रेंड्स। तो चलो, यहां तक लिखा क्या? आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दो, एक बार बता दो कि आपने यहां तक लिखा है। मुझे ये जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे आपने कॉपी कर दिया, फटाफट मुझे कमेंट में बता दो ताकि आई कैन गो अहेड माय फ्रेंड्स। यस यस बच्चों, यस यस फटाफट बताओ। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बाय ग्राफिकल मेथड। चलो कॉपी करने के बाद कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल वेट। ओके यस सर लिखा, यस सर लिखा, यस सर लिखा, ओके वेरी गुड बच्चों। ओके वेरी गुड। चलो फिर यहां तक हो चुका है। तो सेग्रीगेशन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, एक काम करता हूं डायरेक्ट मैं क्वेश्चन देता हूं एंड क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, चलेगा क्या? क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, चलेगा क्या? क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। चलो सब लोग प्लीज ध्यान दो। ओके क्वेश्चन लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें लिखो। आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आज का लेक्चर खत्म बच्चों। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, देन लेट अस से यहां पे है सेलिंग कॉस्ट, लेट से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड लेट से मेंटेनेंस कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके आप लिख रहे बच्चों? आप सर क्यों क्वेश्चन लिखने में टाइम पास करा रहे? लिखो, जरूरी है। ओके नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है समझो 20,000, 30,000, 50,000। ओके एंड यहां पे मैं और एक लिख रहा हूं, यहां पे नेचर ऑफ कॉस्ट, नेचर ऑफ कॉस्ट। ध्यान दे रहे हो बच्चों? ओके तो सेलिंग कॉस्ट है यहां पे 1 लाख, यहां पे 1,50,000। ओके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 80,000, 80,000। मेंटेनेंस कॉस्ट है बच्चों 1,20,000 एंड 1,50,000। ओके ये सब डेटा रुपीज में है। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स माय फ्रेंड्स। यस बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब बताओ ये 1 लाख है और 1,50,000 है, पहले हम सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं बच्चों, सेलिंग कॉस्ट। तो अब मुझे आप बताओ सेलिंग कॉस्ट फिक्स्ड है क्या? हो ही नहीं सकता, 1 लाख और 1,50,000 है। अच्छा पर अच्छा अगर ये दोनों 1 लाख और दूसरा नंबर सेम होता तो ये फिक्स्ड होता, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा दोनों में पर यूनिट सेम है क्या बच्चों? दोनों में पर यूनिट सेम है क्या? तो यस 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 ₹5 पर यूनिट, 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000 ₹5 पर यूनिट, मतलब इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो बच्चों अगर टोटल सेम है तो इट इज फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट, एंड ये दोनों नहीं हो रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इससे सिंपल क्या बताऊं? टोटल सेम है फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट सेम है वेरिएबल कॉस्ट, दोनों नहीं हो रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझा? इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो बोलो नेचर ऑफ कॉस्ट यहाँ पे है वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ वेरिएबल है तो पर यूनिट फाइंड करो। तो लिखो यहाँ पे नीचे सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, तो इट इज ₹5 पर यूनिट। 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स दैट इज ₹5 पर यूनिट, और 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000 करते तो भी आंसर ₹5 पर यूनिट ही आता। तो आप बताओ बच्चों यहाँ पे 50,000 इंटू 5 आपको करना पड़ेगा, तो आंसर इज 2,50,000। आंसर इज 2,50,000 इज द सेलिंग कॉस्ट माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट माय फ्रेंड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट देखते ही पता चल रहा है उधर ऊपर कि इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा देखो बच्चों इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट मतलब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कुछ टैग नहीं लगाया कि सेलिंग कॉस्ट मतलब हमेशा वेरिएबल ही होता है, ऐसे कोई टैग नहीं लगाया मैंने, समझा क्या? इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे भी 80,000 होगा एंड ऑब्वियसली दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट माय फ्रेंड्स, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। डू यू एग्री? अब बताओ थर्ड है इसमें, वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आप बताओ डेटा देख के बताओ इज इट अ फिक्स्ड कॉस्ट? तो आपका आंसर है नहीं सर ये तो चेंज हो रहा है, 1,50,000 एंड 1,50,000 है, 1,20,000 1,50,000। अच्छा फिर वेरिएबल है क्या? आपको लगेगा नहीं सर ये वेरिएबल भी नहीं है क्योंकि इसमें पर यूनिट सेम नहीं है, 1,20,000 डिवाइड बाय 20,000 ₹6 पर यूनिट आता है, 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000 ₹6 पर यूनिट नहीं है। यस और नो? इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, इसका मतलब हुआ इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल चेंज नहीं हो रहा है फिक्स्ड, पर यूनिट चेंज नहीं हो रहा है वेरिएबल, एंड ये दोनों नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो राइट डाउन इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। it is a semi variable cost. Let us segregate it by level of activity method. सेमी वेरिएबल है इसलिए वी हैव टू सेग्रीगेट इट बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड. सेग्रीगेट करेंगे और अब सेग्रीगेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है ये मैं बताता हूं. अब मेंटेनेंस कॉस्ट में से फिक्स कितना और वेरिएबल कितना ये आपको जानना है. तो पहले वेरिएबल पोर्शन फाइंड करने का, तो लिखो नीचे वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट. पहले वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट का स्ट्रेट फॉर्मूला है बच्चों, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. ये फॉर्मूला कैसे आया इसका लॉजिक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स में है, वो हम कल देखेंगे. चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. बताओ फिर चेंज इन कॉस्ट कितना है. इट इज 1,50,000 माइनस 1,20,000, जो भी दो लेवल आप कंपेयर कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 20,000 units, my friends. So it is 30,000 divided by 10,000. Tell me whether variable maintenance cost is 3 rupees per unit. Variable maintenance cost is 3 rupees per unit. And उसके बाद में using data of let's say 20,000 units. 20,000 units का data use करो या 30,000 का use करो, तुम्हें जो use करना है करो. And हम find करेंगे fixed maintenance cost. क्या find करेंगे बच्चों? फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट. तो आप बताओ 20,000 यूनिट्स का टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना था बच्चों? 20,000 यूनिट्स का कितना था बोलो? 1,20,000. एंड वो 1,20,000 में से 20,000 इंटू 3 इतना वेरिएबल था, इतना वेरिएबल था, तो फिक्स कितना बचा बोलो? 60,000. अब आपको लगता होगा कि सर आप 30,000 यूनिट्स का डेटा यूज करते तो आंसर अलग आता. नहीं आता, चेक करो आप. 30,000 यूनिट्स का डेटा यूज करता मैं तो टोटल कितना था? 1,50,000 माइनस 30,000 इंटू 3. 1,50,000 माइनस 30,000 इंटू 3 तो 1,50,000 माइनस 90,000. फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट 60,000 ही आता बच्चों. यस और नो? तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये जो कॉस्ट है इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बच्चों. तो फिल इन द ब्लैंक्स में वहां पे सेमी वेरिएबल ऐसा लिखना है आपको. एंड आपको फाइंड करना था बच्चों मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कितने यूनिट्स फाइंड करना था? मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 50,000 का. वो एक फिल इन द ब्लैंक्स है. मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स. तो लिखो नीचे मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 50,000 units is equal to fixed cost plus variable cost. तो fixed cost था 60,000 plus variable था 50,000 units into rupees 3 per unit. तो tell me whether answer is 2,10,000. आप बताओ मुझे कमेंट में 2,10,000 आपका भी आंसर है क्या एंड ये समझा क्या रहेगा. तो आप कमेंट में 2,10,000 टाइप करो बच्चों. 2,10,000 ये आंसर है क्या? तो कैसे करते? सेग्रीगेशन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. डायरेक्ट वेरिएबल मिल जाता है. फिर कोई भी एक लेवल ऑफ आउटपुट का आपको टोटल पता है, वो टोटल में से आप वेरिएबल डिडक्ट करो, यू विल गेट द फिक्स्ड कॉस्ट. यू विल गेट द फिक्स्ड कॉस्ट माय फ्रेंड्स. सो दिस इज 2,10,000. तो ये 2,10,000 हमने लिख दिया. तो फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये 2,50,000 फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ये 2,50,000 यहाँ पे भर दिया था बच्चों. ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमारा क्वेश्चन था इसमें ये 2,50,000 हमने कंप्लीट किया है बच्चों. यस और नो? एंड देखो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन अप टू दिस. ये 2,50,000 हमने लिखा था, 80,000, 2,10,000 और ये सब हमने लिख दिया यहाँ पे. यस और नो? 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 आपके आंसर है. यस बच्चों, वेरी गुड. तो ये हुआ सेग्रीगेशन ऑफ सेमी मेंटेनेंस कॉस्ट बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड. तो क्या करता है लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. वेरिएबल पोर्शन मिल जाएगा, टोटल में से वेरिएबल डिडक्ट करो, यू विल गेट द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ दैट माय फ्रेंड्स. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन माय फ्रेंड्स एंड यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। जैसे मैंने आज बहुत बार बताया है, कल से नहीं बताऊंगा क्योंकि कल से सिर्फ कॉस्टिंग पे फोकस करना है। दिस 60 आवर्स आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। आप एक बार फेल हो चुके हो, दो बार फेल हो चुके हो, आप कॉस्टिंग की वजह से फेल हो रहे हो, राइट? These 60 hours will change your results, my friends. So see you tomorrow. उसके पहले जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है वो ज्वाइन करना है एंड उसका पीडीएफ आपको प्रिंट आउट लेके ही कल का लेक्चर अटेंड करना है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। सी यू माय फ्रेंड्स। बाय बाय।